नहीं डाउट है तो राइट डाउन, क्वेश्चन दे रहे हैं लिखोगे, या क्वेश्चन तुमको पूछना है पूछ लो, जिसको जो डाउट है। 2-3 मिनट सबको टाइम दे रहे हैं। सारे कन्वर्जन हो गए। कितने क्लास छोड़े हो? अच्छा, चलो डाउट बोलते जाओ, जिसको नहीं है तो लिखो, तो अगले बच्चे भी आ ही जाएंगे, एक तो और जो एब्सेंट है। हाँ बोलो। है नहीं है? राइट डाउन। हाँ बोलो। अच्छा आईपैक नेम में, चलो लिखो बोर्ड पे, लिखो तो डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन लिख दो। ट्राई करोगे तो अच्छा। अच्छा चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलोगे फिर वो तो और को बोलने देंगे, पहले क्वेश्चन तो देख लेने दो। राइट, ये बॉन्ड कहाँ है? ओ के साथ है, सी के साथ है, एन के साथ है, सी के साथ। होमवर्क नहीं की हो सीरियसली? हाँ है? बोलो बोलो, डाउट है? अच्छा सोच रहे हो तो रजिस्टर पर लिख के सोचा जाता है, बोर्ड पे थोड़े सोचा जाएगा यार। रजिस्टर पर लिखो फिर सोचो, देख रहे हो अभी तो इससे पूछ रहे हैं, बॉन्ड किसके साथ अटैच है? राइट, होता है। बाकी उसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, 3 होगा, एन के साथ है। तो मे बी ये प्रॉब्लम हो तुम्हारा, कहीं एन के साथ अटैच। हाँ ये वाला एन के साथ, साइड वाले की बात ही नहीं देख रहे, ओ के साथ अटैच दिख रहा है। बाद में सॉरी बोलो, बार बार कहते सॉरी वर्ड नहीं चलता है। चलो पहले तुम ही बोल लो, अरे अभी सोचोगे। राइट, इधर शायद कल क्लास में हुआ था क्वेश्चन, हमारे समझ से इस तरह का आया था क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों सेम था। राइट, ये भी सही बोला, वो तो ऑड वो टफ था, ये तो इजी है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा कि 5 मिनट ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज रिएक्शन के क्लास है। चलो बोलो बेटा। राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है? अच्छा ये नहीं आएगा। बोलो जी, सुन, 1 सेकेंड सुनते जाओगे बस, सब अपना अपना रीजनिंग देना शुरू। घर पे नहीं रीजनिंग करोगे, यहाँ आके रीजनिंग। बोलो जी। हैं? अरे वो ठीक है, वो तो माइनर है, वो माइनर है। हाँ जो बोली है वो सही है, इसीलिए बोले, आवाज सुनोगे तो कहीं भी राइट बोल देंगे। तो वो राइट बोली है तो अब उसमें हम रॉन्ग कैसे करते, इसीलिए कह रहे सब ध्यान से सुनोगे, गलत करता तो फिर कहते दूसरा कोई बोलो। सही बोला, बोली है ए निथाइल, N1 मिथाइल, इथाइल 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। चलो और बोलो, क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम आया वो भी तुम बोलो, तो हम उसके अनुसार क्वेश्चन बना देंगे। अच्छा आज तो क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्या डाउट था कि कंफर्मेशन करना था ये भी तो जानना जरूरी है। सर, एन के साथ मुझे लगा इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी।
वन मिथाइल बोलिए, वन मिथाइल इथाइल बोलिए। अच्छा पहले वाले का, अच्छा अच्छा नहीं ग्रुएन के साथ स्ट्रेट समझ गया। नहीं होमवर्क ये ही नहीं हो गया तो थोड़ा बहुत से थोड़ा हो, बहुत डेंजर क्लास है, है? नहीं बेटा जो फंक्शनों का चार्ट है वो क्लास किए थे या वो भी नहीं? कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास है। अच्छा सेकंड क्लास है तो इंजॉयमेंट क्लास हो रहा है, कोई बात नहीं यार। ये थोड़े कि जब मर्जी आ जाओ जब मर्जी चले जाओ, या हम भी जब भी ऐसे करें कि हम भी जब आए किसी दिन आ जाए, टाइम फिक्स रहता है। इसीलिए कि जिसको इस क्लास से बेनिफिट होगा वो बैठना पड़ेगा, सबको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, उसमें तो हम कुछ हेल्प यही कर सकते हैं, हेल्प यही कर सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले लो। अब उसमें अब अभी हेल्प मत लो यार, अभी तो क्लास शुरू है, क्लास के बाद उनसे इनसे किसी से भी सब अच्छी तरह गाइड करेगा। देखो जी इस क्लास से तुमको यही प्लस पॉइंट होगा कि एक दूसरे को कोई भी कुछ भी हेल्प कर सकता है। फिर कंफ्यूजन होगा तो पूछोगे कि सर ये कैसे होगा कैसे करेंगे, तो हेल्प कर देंगे, करना तो पड़ेगा प्रैक्टिस। और दूसरी बात, अब काफी आगे निकल चुके हैं, अब तो डिसिप्लिन सिखाना शुरू कर दिए, मैकेनिज्म हो जाएगा तो और प्रॉब्लम शुरू। अभी तक तो रास्ता इधर उधर उलझा रहे हैं, आज हो सकता है थर्ड सेट भी शुरू कर दे, कर पाते हैं कि नहीं उधर तुम्हारे हाथ में। एब्सेंट वाले के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज यही है कि भाई कुछ हो गया तो किसी फ्रेंड से ले लो, उनसे पूछो। शुरू से करेंगे तो जो बच्चे प्रेजेंट है उनके साथ प्रॉब्लम। चलो जी और नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो जी जिसको है, 3-4 मिनट सबको टाइम दे रहा है, फिर अपना क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। कन्वर्जन में बोलो डाउट, हेल्प नहीं लेने देंगे जो क्वेश्चन देने जाएंगे, ये ध्यान रखना। पीछे से पेज किसी को नहीं खोलने देंगे, डाउट पूछो। अच्छा नेमिंग पूछना है, चलो आज 10 मिनट नेमिंग ही करा देते हैं, कन्वर्जन बाद में होगा। तो कहीं नेमिंग रहेगा तो होमवर्क करने में दिक्कत होगी, कहेगी इसके बाद मल्टीपल आ जाओ क्वेश्चन लिखो क्या है, हो गया। अच्छा क्वेश्चन हो गया मतलब बोलते ही हो गया है? और बोलो जी डाउट, लास्ट बेंच डाउट बोलो जी। इम्प्रूवमेंट तुम्हारा सही हो रहा है, केवल होमवर्क कम कर रहे हो उसीलिए डाउटफुल हो जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ा दो, बहुत अच्छा कर जाओगे। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, क्या डाउट है? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपना डाउट हम शुरू कर रहे हैं। राइट डाउट, मिथाइल फॉर्मेट टू एसिटिक एनहाइड्राइड विदाउट हेल्प, पीछे से पेज नहीं खोलना है। मिथाइल फॉर्मेट चेंज इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड, पहले वर्ड में लिख लेना, अरे फिर कहोगे सुनाई नहीं दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑनलाइन वाले जो अगर डाउट है कंफ्यूजन है बोलोगे।
हो गया राइट, रिवर्स कर दो, दोनों एक साथ देख लेंगे प्रॉब्लम है क्या। कुछ भी कर सकते हो, फ्री हो अभी, नो रिस्ट्रिक्शन। प्रोडक्ट तक पहुंचना है, आगे समझाएंगे डिसिप्लिन, स्टेप कम करना, ये तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितना होमवर्क किया है। अब नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि देखें इन लोगों का होमवर्क भी, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कितना बार हेल्प लिए, नहीं लिया राइट, वाह मिस्टेक तो है, रॉन्ग भी नहीं कहेंगे, कहोगे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जो शुरू में कहे थे स्ट्रक्चर लिखो, तुम ओवर कॉन्फिडेंस थे, वो सब प्रॉब्लम अब आ रहा है, बाकी ठीक है राइट। चेक करो क्या गलती की हो सकता है पकड़ भी लो, नहीं समझ में आया तो स्ट्रक्चर कर लो। कितना बार हेल्प लिए, हेल्प लिया हुआ लग रहा है, नहीं सर एक बार, एक बार भी नहीं तो और डिफेक्ट। अच्छा फिर, अच्छा उल्टा भी चले गए, ओ अच्छा ये काम किए, हम सोचे इतना, ये एच प्लस हम बैठ कर लिखेंगे, बिना एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है राइट, बाकी सही किए हो। यहाँ ट्रायंगल हम बनाएंगे, थोड़ा भी मिस्टेक करोगे नंबर कट जाएंगे राइट राइट। स्टेप क्यों ज्यादा हुआ समझ में आया, इसको साइनाइड से कर दे तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते, चलो ठीक है करो करो कोई बात नहीं। कितना बार हेल्प लिए, दो बार, एक ही बार राइट, बहुत से एक सेकेंड अभी देखने का दो, अच्छा ये पेज वेस्टेज चला गया राइट, इसे पता चल रहा कि होमवर्क कम की हो, नहीं राइट बहुत सही, इसीलिए एक बार हेल्प लेना पड़ा, रास्ता तो भटक गए थे, सही है। कितने बार हेल्प लिए, एक बार नहीं है, तीन बार लिए हो, ये बोल रहा है कि हमको तीन बार देखा है, हम थोड़े बोल रहे हैं, बोलो देखो देखो वो देख रहा है बोलेगा, हम थोड़े बोल रहे, तुम्हारा रजिस्टर बोल रहा था, इसलिए पता चल रहा है कि होमवर्क कम किए हो, अगर किए हो तो कॉपी किए हो, दिमाग नहीं चलाए हो, घर पहुंच रहा है आधे घंटे में, पहुंचोगे तीन घंटे में, कहोगे क्या परेशानी है, उसको दिख भी नहीं रहा है, एसिड बनाने के बाद कहते हैं कि रिलैक्स बैठ जाओ, जहां भी हो वहीं, एसिड के बाद ईस्टर बनाया है, अब समझ भी आया उस समय, अब ये थोड़े पता है यार, तो रजिस्टर देखने में पता चला गया कितने वो किया है, बैक से हेल्प करा है, नहीं लिए हैं वो ढूंढ रहे हैं, कितने बार, अच्छा दो बार राइट, चलो दो बार लियो तो अच्छी बात है, बोलते जाओगे तो पता भी चलेगा, क्यों दो बार लिए, होमवर्क नहीं किए थे, ये सीएम है, सीएम कौन सा कंपाउंड होता है, अरे यार तू तो नया रिसर्च कर दोगे,
राइट, बहुत सही। क्यों नहीं अपने से चल पा रहे हो, होमवर्क कम किए हो? सीएम को सीएन करो, मतलब तो कहोगे सर ने पढ़ा दिया सीएम, हम क्या करें? राइट, सही है। बोलो। हाँ, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बन गए। इसीलिए पूछ रहे थे कि होमवर्क किए हो नहीं किए हो, एक दूसरे से हेल्प लेना। अब सबकी पोल खुल रहा है धीरे धीरे, एक दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, कौन कितना है। अब उसमें देख रहे हो, जो पेन जितना चला है उतना फास्ट बन रहा है, जो नहीं चला है वो देख रहा है, सोच रहा है क्या करूं। अब इसमें क्या करे, हमको अपने नहीं समझ में आएगा। तुमको लेके चले, उनको लेके चले, उनको लेके चले, उनको चले, वो बोल रहा है पीछे से दो बार देखे, बहुत सही बनाया है लेकिन दो बार देखा है वो भी डिफेक्ट है। दो बार क्यों देखा, क्यों देखे जी दी दो बार, ये भी हेल्प कर दो, रिएजेंट भूल गए। हाँ देखो, बहुत सही बोला, ऐसे ट्रांसपेरेंट बोलेगा तो सही समझ में हमें भी आएगा। बेटा हम लोग 35 साल पढ़ाए हुए हैं, अभी सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। जैसे वो देखा है 3 बार करा है, एक बार न तो ए सीट पे जाकर रुका रहता। अच्छा, बार बार रजिस्टर बना के जाओगे? अच्छा, वो ही। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम। ये देख रहे हो इसके, इसका रजिस्टर देखो कितना काटी है, पूरा पेज का पेज। हम उधर देखे जा रहे हैं तो देख रहे लास्ट में कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो लास्ट क्लास में बोले थे ना यार कि संडे को क्लास लेंगे रिएक्शन का, तो रिएक्शन आज छोड़ दे, बोल दो अभी भी छोड़ देते हैं। अरे यार बाकी तो तुम अपना हेल्प करो, बाकी के लिए तो हम देख लेंगे, बोल दो तो नेक्स्ट वीक करेंगे। आज मल्टीपल फंक्शन करा देते हैं क्या? हम तो सोच रहे थे एक सेट और ऐड कर दे तो और ये लोग देखना शुरू कर देगा ऊपर कि क्या हो रहा है। बोलते जाओ जो बोलोगे, नेमिंग भी सिंगल वाले में अभी प्रॉब्लम हो ही रही होगी, अभी तो टाइम चाहिए कि मल्टीपल करा दे, डिसिप्लिन तो समझ में आ जाएगा, तब नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देख रहे हो कन्वर्जन कुछ कर रहा है, वो तो एकदम बोल ही दिया कि सर नहीं किए हैं। ये लोग से पूछ रहे हैं कर लिया है, सेल्फ कहा था 5-5 करने के लिए शायद कल, याद है नहीं किए? हाँ आप सही बोले बेटा, पेन जो चलता है ना हमको दिखता है। अच्छा अगले हफ्ते के लिए तो नेमिंग दिया था बेटा, आज के लिए रिएक्शन दिया था, यही बोला था ना, तभी तो आज क्लास बढ़ता। आज तीसरा सेट रोक दे रहे हैं, और जो ये लोग नए हैं कहीं सीख गए तो अच्छी बात है, तुम लोग के लिए प्लस कर रहे हैं, और जो किया है उसके लिए माइनस हो रहा है। इसी क्लास में दो कैरेक्टर, पीछे वाला बड़ी सही बोला है, उसी के कारण थोड़ा सा सिंपैथी हो गया कि नहीं तब रोक दो। तो ध्यान रखना तुम्हारे कारण कोर्स नहीं आगे निकल रहा है, बाकी ये लोग नए जो है तो क्या करेंगे हमें पता ही नहीं। चलो मल्टीपल फंक्शन शुरू कर रहे हैं क्या? बोलो जो तुम लोग के चॉइस से ही क्लास होगी। आगे का मतलब क्या है यार, 3 जोन में बांटे हैं, चौथा जोन तो अभी बोल भी नहीं रहे। एक नेमिंग जिसको नॉमेनक्लेचर बहुत तुम लोग पढ़ते थे, अब पढ़ा पता चला होगा, अब थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं। सबको नेमिंग आता है, गलती पकड़ाया यार अभी याद आया। हाँ माइनस मार्किंग मिलेगा, अब यहां सब माइनस है तो कम से कम 0 तो तुमको दे दे, कोई लिख ही नहीं पा रहा। ये अच्छी बात तुमने बोला सर हेल्प नहीं लिया है, तब अच्छी बात है, लेकिन ये पकड़ लिए अच्छी बात है कि बैलेंस ही 5 दिखा दो और 3 दिखा दो, कहोगे कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे इसी में बच्चे पहले सीसी खाली लिखते थे, उसी कारण से चेक करो अब देखो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा किया कि तू अपने को याद अभी आया, वो मेजर प्रॉब्लम है। सबसे रिक्वेस्ट है
या तो क्वेश्चन हम ही दे दे, नहीं तो तुम खुद करोगे। अब आज के बाद नेक्स्ट वीक में 10 क्वेश्चन कन्वर्जन का, तब नेक्स्ट क्लास बाकी इन लोग से हेल्प ले लेना जिसको भी, यही तुम लोग से रिक्वेस्ट है। तुम लोग के कारण बेटा हम लोग क्लास में चाहते हैं सब पैरेलल क्लास चल, क्लास का डाइवर्सन होगा सेकेंड लेवल के बाद। सेकेंड लेवल का मतलब होता है सीबीएसई प्लस मेंस, उसके बाद सबका अपना अपना माइंड चलेगा। अभी तक सबका देख लो बैठा हुआ है चुपचाप, कर लो सर क्या कर लोगे, हम कुछ जानते ही नहीं है। तो उधर कहेगा हम बैठे रहे क्या, देख लो हम नहीं कुछ करेंगे, हम कहेंगे तुम्हारे अनुसार चल देंगे, फिर रिपीट कराएंगे। तो सबको अब तुम ही लोग हेल्प कर दो कि कैसे क्या करें। सबसे रिक्वेस्ट इतना ही है, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। हाँ नहीं हेल्प करेगा तब हम क्लास में वहीं से शुरू करेंगे। तो सबको हेल्प कर दिए, 10 प्रॉब्लम सेल्फ। क्या करना, पहले क्वेश्चन कुछ भी लिख लो, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन लिखना है, प्रॉब्लम आती है। अच्छा हम ही लिखवा दे, चलो ये भी लिख कर देते हैं। अब हमको पता नहीं टफ होगा कि इजी होगा, बोल तो देंगे, कुछ भी बोल देंगे। राइट डाउन, मिथाइल बेंजोएट टू बेंजोइल क्लोराइड, टू बेंजोइल क्लोराइड फॉर्मिक एनहाइड्राइड टू मिथाइल प्रोपानोएट फॉर्मिक एनहाइड्राइड मिथाइल प्रोपानोएट फॉर्मामाइड टू एसिटोनाइट्राइल फॉर्मामाइड टू एसिटोनाइट्राइल बेंजाइलमाइन टू एनिलीन बेंजाइलमाइन टू एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाइल क्लोराइड एसिटोनाइट्राइल टू प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेन नाइट्राइल एसिटामाइड एसिटामाइड टू प्रोपानोइक एनहाइड्राइड सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टर्सियरी ब्यूटाइल साइनाइड टर्सियरी ब्यूटाइल साइनाइड टू नियो पेंटाइल एमीन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोले होंगे, क्या बोला है, कौन सा बोलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो जी। रुको बेटा आप कहाँ रोक दिया, अब याद थोड़े है, तो कुछ भी हम बोल दे रहे हैं, ज्यादा टफ भी नहीं हो। अब ऐसे ही तुमको लिखना था, तुम करो सर आप बोलो, अपनी मर्जी से तुम लोग लिखते थे, ये था। अब हमसे बोले बोले तो अब तो कुछ भी बोलेंगे, अब पता नहीं टफ है कि इजी है, इसीलिए बोले थे सब सेल्फ बना लोगे तब हम हेल्प करेंगे। हो गया जी, कहां तक पहुंचे बोलोगे तब, इसीलिए नहीं बोल रहे थे, सेल्फ अपने से 10 लिख लेते तो ज्यादा अच्छा था, नेमिंग भी हो जाता, कन्वर्जन भी हो जाता, नेम भी हो जाता। हो गया, आगे बढ़े, बोलो जी क्या लास्ट क्या था लास्ट। हाँ, टर्सियरी ब्यूटाइल साइनाइड टू नियो पेंटाइल एमी एम आई राइट, कितने हो गए 9, एक और लिख लो। एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रोपेनामाइड रिवर्स, ऑल क्वेश्चन रिवर्स, सारे क्वेश्चन को रिवर्स भी करना है।
हेल्प नहीं लेना है, दूसरी बात सबका नाम लिखते जाना है, किसी में कॉमन, किसी में आईपैड, किसी में ट्रेवल, मर्जी तुम्हारी। कहीं नेक्स्ट क्लास में कोई एक्सक्यूज नहीं, देख रहे सीएम लिख के बैठ गया, करेंगे सर आपने लिखा है वो सीएम, अरे जिसने लिखा उसने तो सुन रहा है, परेशान क्यों हो, जिसने लिखा उसको तो सुनाई दे ही रहा है। सबको इस लेवल तक, देखो जी इस लेवल, तुम भी सुनो, तुम्हारा जो सबसे फास्ट फ्रेंड हो उससे सीखो, सही गाइड करेगा स्लोली, 5 दिन बीच में गैप मिल जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये सही कर लिए तो तुम्हारा पूरी सब्जेक्ट और लगेगा कि यार बड़ा इजी सब्जेक्ट है, मैकेनिज्म तक आते आते सब मैच्योरिटी हो जाओगे तो सही पकड़ लोगे क्या प्रॉब्लम है। चलो जी आज मल्टीपल अब शुरू कर रहे हैं, लिख लो पहले नेमिंग, जो भी प्रॉब्लम है अगर किसी को डाउट है इसमें वो भी पूछ लो, नेमिंग तो सेल्फ कर लेना है, इसलिए कॉमन नेम बोले हैं। ठीक है, किससे हेल्प लोगे? हाँ किसी से भी ले, सब भी हाँ, इसीलिए पूछ ले रहे हैं पहले, तुम किससे हेल्प लोगे? अभी देखता हूं तो और देखते रह जाओगे, अगर ये पास में तो इससे ज्यादा लेना, लेकिन स्पीड इसका फास्ट है, बोलेगा कुछ सोच समझेगा कुछ, तो मैं भी नहीं पकड़ पाता दूसरे से लेना, तब उससे भी ले सकते हो, तो उसे उस नेक्स्ट क्लास में होगा, तुम्हारे अनुसार क्लास होगा, ये ध्यान रखना, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होगा, अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लोगे तो। तुम उसको हेल्प नहीं करते हो, पूछता ही नहीं, अरे यार तो उसको गाइड करोगे रोड पे कैसे चला जाता है, तब तो चलेगा आराम से, दो दो स्टेप समझाओ उसको, आधे घंटे भी टाइम दोगे तो क्लियर हो जाएगा उसको, अब तो तैयार है ही करने के लिए, अरे तो नेक्स्ट क्लास में उसी के अनुसार क्लास कर देंगे। हाँ नहीं सही कर ले तो देखोगे इसी क्लास में सबसे आगे निकल जाएगा, डिपेंड वही है, अब देख रहे हो जो जो वीक था अपने आप को रहा है, चेंजिंग लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो 60% हो रहा है, सही बोला, कितना परसेंट हुआ चेंजिंग, 80, मैथ के स्टूडेंट हो बायो के स्टूडेंट हो, मैथ 80 बोलने में लगा है कुछ, पीजी ऐसे ही बोल दिए हो, अच्छा कर लिए हो तब सही है, चलो 80 का भी हम देखेंगे क्वेश्चन आगे, 80% वाले कैसे है, जो बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में पता चल ही जाएगा, तो सबसे रिक्वेस्ट है जो जिस लेवल में है, अभी कोई लेवल नहीं है, अभी लेवल है पेन चलाना, डिसिप्लिन सेकेंड फेज में है, लोग अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख लो क्वेश्चन यार, क्या बोले, क्वेश्चन लिख रहा है बाकी, ऑनलाइन वाले किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पूछना चाहो पूछोगे, नाम भी हमने सबसे क्या क्या नाम, चलो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप शुरू कर रहे हैं आप, नेमिंग में भी किसी को सिंगल में प्रॉब्लम है तो बोलोगे, दो ही रूल था, ये नहीं कि बहुत सारा रूल था, बुक में बहुत सारा रूल दिया रहेगा, हमने दो ही डिसिप्लिन सिखाया, कार्बन कंटेनिंग विदाउट कार्बन, ठीक है तो शुरू करें मल्टीपल, मल्टीपल में तुमसे ज्यादा हम ही डर रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगा, चलो राइट डाउन, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो पेज को, एक सेकंड बेटा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना,
ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स को कैसे, वो नोट्स बुक लेकर उसको दे दिया, देख लो यही है सब कुछ, वैसे देने से थोड़े फायदा होगा यार, उतना बनाने में तुमको लगा एक महीना चाहे 15-20 दिन, और उसको एक मिनट में देकर आए यही ले लो। तो चलो जी राइट डाउन, सबसे लेफ्ट साइड फंक्शनल ग्रुप, फिर थ्री पार्ट में डिवाइड करोगे, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स प्रीफिक्स, देखोगे CHO सफिक्स का मतलब हो गया पेरेंट, प्रीफिक्स का मतलब हो गया डॉटर, सिंपल भाषा में, कब क्या होगा पता नहीं, इसीलिए सफिक्स प्रीफिक्स। सफिक्स हो गया अल, सफिक्स का मतलब हुआ आईपैक नेम हर फैमिली का, फॉर माई ओइक कार्बोक्सी, एमाइड कार्बामोइल, मोइल MOYL, COX ऑयल हैलाइड हैलो कार्बामोइल, CN नाइट्राइल, साइनो एनसी, आइसोसाइनो आइसोसाइनो, व्हिच ऑल हाइड्रोक्सी जहां कंफ्यूजन होगा पूछ लेना। सफिक्स का मतलब आईपैक नेम, राइट, एक्स का मतलब होता है हाईलाइट, डायरेक्ट एक ही में लिख दिए सब, सीओ प्रीफिक्स हेलो कार्बामोइल, हेलो डबल ले लो, हेलो कार्बामोइल, और कौन सा रह जाता है ओ आर अल्कोक्सी, अल्कोक्सी सीओ ओन कीटो और ऑक्सो, सीएल क्लोरो सेम क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हो गया ऑलमोस्ट सारे फंक्शन, ये एनएच टू एमाइन एमिनो एन अल्काइल
बाकी जो है जो नहीं लिख रहे हैं वो सेम होगा, जैसे मान लो नाइट्रो है सेम होगा। डबल टिक का मतलब सेम है, सफिक्स प्रीफिक्स दोनों सेम। चलो आप देखोगे हो गया, पेज चेंज करें। ये सब 11th में नहीं किया था, पता ही नहीं चला कब आया कब निकल के। अच्छा तब रटा था, ओ अच्छा ये सही बोले बेटा, रटने से IIT नहीं होगा, दिमाग से होगा। जितना पढ़ो कम पढ़ो ज्यादा समझो, क्यों नोटबुक इतना पतला दिखा रहा है कि ले लो, सब कुछ उसी में आ जाएगा। देख रहे हो NCERT की बुक कितने पतली होती है, सब कुछ है उसके अंदर, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वही तुम्हारा नोट्स तुम समझोगे वो थोड़े समझेगा, एक पेज लिखने में तुमको 10 घंटा 12 घंटा लगा। वही बोले थे ना क्लास में, जो किसी बहुत सारे स्कूल में ऐसे देखे, ये जो मैप हम कराते हैं 90 कहीं नहीं कराया जाता है, ये हम लोग अपना रिसर्च है, बच्चे से इसी के हम लोग कैसे इनको इम्प्रूवमेंट करें, एक पेज में CBSE कैसे खत्म होगा। तो देखा क्या, अब मान लीजिए स्कूल में सबसे वीक है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आ रहा है, 100% वो है, देख रहा है यार इसको केमिस्ट्री में ज्यादा, उसमें भी ऑर्गेनिक में ज्यादा कैसे आई, इनऑर्गेनिक तो अलग प्रॉब्लम है। अब ये ऑर्गेनिक का मान लो टेस्ट होता है तो कंट्रोवर्सी होगा ही, और सब्जेक्ट में कम आ रहा है केमिस्ट्री में ज्यादा आ जा रहा है उसमें भी ऑर्गेनिक, और क्लास का टॉपर नीचे चला जा रहा है, हेल्प लेना चाह का देखो यही मैप से सारे क्वेश्चन आते हैं। अब वो स्मार्ट फोटो खींच लिया, कैसे दे दिया ले लो रजिस्टर, अब फोटो खींचने से जोन थोड़े पता चल रहा है, देख रहे हो 2 जोन किए आज क्लास रोक दिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ कहोगा कि जल्दी करा दो, 4 जोन बनाने में हो सकता है कि 2 महीना लग जाए। अच्छा जो भी बच्चे बनाएंगे, लेकिन उसके बाद में कोई सोचेगा मैप से सब हो जाएगा, इसको रट लो, रटने से कोई फायदा ही नहीं है, यही समझाने की कोशिश करें, रटने से कुछ नहीं होगा। जो आज बोल ही रहा है कि सर नेमिंग भी रट लेते थे, नेमिंग रटने से थोड़े होगा यार, क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छा हुआ कि आज मल्टीपल फंक्शन रूल शुरू कर दिए। फर्स्ट रूल राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा एसिड, ग्रेटर देन क्या बोलो, याद ही नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम है। अब बोलो इसके बाद क्या होगा, चलो याद किया तो बोलो। देखो अब इसको सिंपल भाषा में हम समझा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा एसिड, उसके बाद लिख लो मोर मॉलिक्यूलर मास मोर प्रायोरिटी। मोर मॉलिकुलर मास मोर प्रायोरिटी, ये तो समझ में, जैसे एल्डिहाइड है कीटोन है, कौन पेरेंट है? हाँ जी हाँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हुआ मॉलिकुलर मास लिखना शुरू करेंगे 16+2 L+1 ऑड इवन निकाल दो, पता जैसे वो बोल रही थी रटी हुई थी। अच्छा दूसरी बात, इनऑर्गेनिक होगा जैसे सल्फोनिक एसिड है तो सबसे ज्यादा होगा, इनऑर्गेनिक एसिड को इसमें नहीं कंसीडर करते हैं,
अब सेकेंड रूल, विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। चलो जी बोलो, आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? हैं? हाँ? बोलो, रटे हो तो अच्छी बात है कुछ। राइट, सबसे ज्यादा अल्कोहल, इसके बाद बोलो जी तुम नहीं पता। राइट, अच्छी बात। इसके बाद लिख लो अल्फाबेटिकल, ए बी सी डी आता ही होगा सबको। अल्फाबेट समझ में आ गया? जो दो तीन फंक्शनल ग्रुप हो, फर्स्ट पैरेंट किसको मानेंगे उसके अनुसार डिसाइड कर लोगे। तो समझ में आ गया? ज्यादा टफ तो नहीं है। अब शुरू करें, देख ही रहे हो कितना अच्छा बोली जा रही थी, दोनों को मिक्स करके बोले जा रहे थे। दो ही रूल है, माइनर 5% डिफेक्ट है, हर जगह डिफेक्ट होता है। देख रहे हो, हम सोच रहे सब बैच को पूरे को 100% मार्क्स है, कहेगा हम लाएंगे नहीं, कर लो सर क्या कर लोगे। राइट, यही बात है, पता ही नहीं चल रहा यार, तू भी क्लास में बैठे हो, थोड़ा थोड़ा जरूर हेल्प लो, वो नहीं करता तो उससे लो, उससे लो, किसी से भी। आधे घंटे भी पूछ लोगे, 2 घंटे रिलैक्स होके बनाओ। अब शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम, अच्छा है कि इसके बाद से बुक अपने बनाओ। मल्टीपल फंक्शन शुरू करना है। राइट, चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है। पहले छोटे से ज्यादा फैमिलियर जो लोग रटा होगा उसको पहले कन्वर्ट, फिर तब टफ, तब अप्लाइड। चलो लिखते जाओ, अपने नाम लिख लो पहले, ये तो लिखोगे, लिख लो, पूछते जाएंगे फिर लास्ट। बोलो जी नेम इसका, डाइएल्डिहाइड। राइट, पहले तो सोच समझ भी आ रहा है, कार्बन कंटेनिंग है विदाउट कार्बन है। हाँ चलो, इतना तो दिख गया, ये दिख गया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत को दिखता ही नहीं। चलो पहले विदाउट कार्बन ही करते हैं, तब ये करेंगे। चलो इसका नाम हो गया 1-2 है, इथेन 1-2 डाई अल। राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है, फॉर्माइल क्यों नहीं कहेंगे, 2-फॉर्माइल मिथानॉल, फॉर्माइल तो कह ही रहे यार, एक को प्रीफिक्स, एक को सफिक्स, एक को सफिक्स, एक को प्रीफिक्स। अरे यार तो होगा और बोलो, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, देख रहे कर रहे एक दूसरे से हेल्प ले रहा, तो मुस्कुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों बराबर में हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो गया, कोई 4 क्लास ज्यादा किया है उसमें प्लस होमवर्क कर लिया है, तो ऑटोमेटिक वो मैच्योरिटी ज्यादा आ गई। तो बहुत सही बोली है कि सर दोनों सेम है इसलिए दोनों ही पेरेंट है, इसलिए इसमें फॉर्माइल वर्ड नहीं आएगा, तो इसका नाम हो गया इथेन 1-2 डाइल, और निक नेम हो गया ग्लाइक्सल। चलो छोड़ो, निक नेम छोड़ दो अभी, नेक्स्ट आ जाओ। अब इस पे ऑब्जेक्टिव भी 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, देखोगे। पहले नाम लिख लो इसका, ज्यादा नोन है, ज्यादा टफ, हम सोचे अप्लाइड कर दे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, धीरे धीरे राइट करो, तब मिस्टेक।
हो गया, देखेंगे केवल, अभी बोलने नहीं देंगे। देखो अपने आप में डाउट है, मिस्टेक रॉन्ग, यार पेन तो चलाओ, गलत लिखोगे तभी तो सही चलेगा। सीधे हाथ कर देते, नहीं जानते हैं सर, टेंथ क्लास इलेवेंथ क्लास से शुरू किया, सही बोलू तो प्रॉब्लम, रॉन्ग बोलू तो प्रॉब्लम, तभी तो क्या बोलू, देख रहे हैं सबकी सोच देख रहे हैं। अब देखो फिर दोबारा दिखा रहे, यही तो हो रहा है, रॉन्ग बोल दिया तो देखो क्या कर रहा है, इसीलिए नहीं बोलता हूं तो केवल देख के क्लास देख रहे हो कितना अच्छा बैच है, ओवर राइटिंग करके कर रहा है। अब देखो सर, वाह, कुछ और सीखना चाह रहे हैं, तुमसे भी सीख रहे हैं, तुम सोच रहे हो हमसे सीख रहे हो, हम तुमसे भी सीख रहे हैं, वाह यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में कैसे आता है वो भी दे रहे हैं और इंटरेस्टिंग है। यार तू तो और मजाक कर दिया यार, तो पूरा रिसर्च कर दिया, हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे तो पूरा 100%। चलो ये तो अच्छा किया कि मल्टीपल करना पड़ा। अब देखो जी कैसे आईआईटी में क्वेश्चन कितना बार आया है, हाइब्रिडाइजेशन तो सब जानते होगे, अल्केन sp3 अल्कीन sp2 अल्काइन sp, दे दे रहे क्वेश्चन एक, ये कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया कि चारों का दिख रहा है sp sp sp2 sp2, सेकेंड चॉइस sp sp2 sp3 sp2, थर्ड चॉइस sp2 sp2 sp sp, फोर्थ चॉइस sp sp sp2 sp3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसी को थोड़ा चेंज करके दे देगा, अलग अलग कुछ भी दे देगा, अब कोई ये स्टूडेंट नहीं छोड़ के आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और है। हैं? केमिस्ट्री के साथ ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी मीन्स जो सोचोगे वो 100% गलत होगा। देख रहे हो 90-100% गलत हो गया, अब तो कुछ पे भी टिक कर दो, 99% बच्चे फर्स्ट पे टिक करेंगे, क्यों, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा जानते हो, इसलिए फर्स्ट पे टिक करना ही करना है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन तरह से क्वेश्चन आता ही आता है, अल्टरनेट करके आता है ये क्वेश्चन, दो देखो क्वेश्चन भी फिक्स है कि क्या आता है, ये आएगा ना तो अल्टरनेट ही है। अब यही नहीं करेगा यही क्वेश्चन आ जाएगा, इसको दूसरे टाइप से देगा, डिसिप्लिन वही रहेगा। क्वेश्चन क्यों ऐसा पूछे हैं, नेमिंग के लिए पूछे हैं, ये लोग लग रहा हो कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, बहुत खुश होकर फर्स्ट है, इसीलिए क्वेश्चन भी डाल दिया कि देखो नेमिंग तो गया, इसीलिए क्वेश्चन 90% आता है, 99% गलत करेंगे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा आता है, पूछे हैं, हाँ सर पता है, अल्केन sp3 अल्कीन sp2 अल्काइन sp, जो नहीं जानता वो तो अच्छी बात है, टिके नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, एक आवाज में सबका आया है, तो कहोगे गलत क्यों हो रहा है, नेमिंग नहीं पता है, नेमिंग का रूल्स लिखा चुके हैं, दिख नहीं रहा है,
अब है कि क्यों नहीं दिख रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, देखो वो अलग। चलो जी एबीसीडी आता है, पहले ई आता है कि वाई आता है ये भी नहीं पता है। हैं क्या बोला? हाँ यार बहुत को नहीं आ रहा है इसमें, तुम हेल्प कर दिए, इतनी बड़ी बात की या कर रहे हो कि किसको नहीं पता है, किसी को नहीं पता था, पता रहता तो नेम लिख देते। चलो 1 2 3 4 पहले ई आता है फिर वाई आता है, इसीलिए पूछे सबको हेल्प किया है तो ये बोल रहा है कि किसको नहीं पता है। अपनी मर्जी है, तुम तो बहुत सारे ही पढ़ के आए हो, फिर से जाके पढ़ लेना। अब बहुत कुछ बताया था कि रिएक्शन रट लो, फिर से देख लेना। अब तो आजकल गूगल भी है, राइट? तुमको भी बोलना है कुछ नहीं, राइट? तुम्हारा डिफेक्ट अलग है, देखो इधर का डिफेक्ट अलग है, करा स्कूल में पढ़ा था, वो करा हम ऐसे ही करेंगे, कर लो सर क्या कर लोगे। अरे यार हम तो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, इसको सुनोगे फिर एनालाइज करोगे फिर बुक से जाके पढ़ोगे तो अच्छी बात होगी। इसीलिए तो क्वेश्चन दूसरा भी डाल दिया था, तो उसकी अलग प्रॉब्लम है, इन लोगों की अलग प्रॉब्लम है। चलो जी आप देखोगे दूसरी प्रॉब्लम में भी शायद कुछ बच्चे लिखे भी थे, एक दो सही शायद कुछ लिख रहा था, याद नहीं आ रहा है किसका सही था, ब्यूट लिखो या ब्यूटेन लिखो। तुम्हारे साथ क्या ट्रेजडी है, डबल बॉन्ड अंदर है तो अंदर ही लिखना है, 1 N 3 I, एन भी लिख सकते हो कोई है? नहीं ENE नहीं लिखोगे, वो तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, और ई हटाओगे तभी आगे वर्ड लिख सकते हो। सेम पोजीशन होगा तब। अच्छा अगला क्वेश्चन भी दे रहे हैं तुम्हारे हेल्प कर, सेम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, इधर भी वन होगा इधर भी वन होगा, आप किसको दे पा रहे हो? अगला क्वेश्चन दे दे रहे हैं जो तुम कहना चाह रहे हैं। अरे यार ये तो पढ़ाया ही नहीं, तुम क्या पढ़ाए? अब बोलो जी कौन सा आंसर होगा, सी है, कोई तो कह रहे हैं, ऊपर लिख दिया तो नीचे तो दिख ही रहा है, ओ अच्छा अब पता चला। ये लोग सोच रहे थे हम हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे थे, हम नेमिंग पूछ रहे थे, अच्छा अच्छा ये अभी पता चला, मैं तो सोच रहा होगा कि बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन कहां से आ गया। लेकिन अब देख रहे हो यार लड़ाई हो रही है कि नहीं, हम वाई को देंगे, हम कह रहे कि एबीसीडी को देखते हैं, तो देखोगे फिर से हम कहां कर रहे हैं कि नहीं होगा। दूसरा भी क्वेश्चन दे दे रहे हैं, हो सकता है उस पे ही लोग एनालाइज किया हो। अगला क्वेश्चन देखना क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे। अब इसमें खुशी को कुछ पूछना है और पूछ लो, बहुत सारे ई एन ई, तुम अपनी प्रॉब्लम समझ में आया, बाहर नहीं लिखते हैं लेफ्ट साइड में लिख दिए थे, और क्या क्या प्रॉब्लम था, सबका अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग चीज देख रहे हैं, एक तो पोजीशन था ही प्रॉब्लम। ई एन ई लिख दोगे, वाई एन ई लिख दोगे, आगे वर्ड नहीं लिख सकते, और क्वेश्चन पूछ लो फिर अगला गलत करो। चलो पहले तो तुम्हारा हेल्प कर दे के तुम लोग जो बुक में देखे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच, नहीं सॉरी इसको छोड़ दो, CH3CH double bond CH C triple bond CH, right? याद आ गया तुम, पता चल गया था हमें, पता चल गया तभी तो सोच गए, अच्छा ये लोग क्या सोच रहा है, क्यों ऐसा लड़ाई कर रहा है,
जो कितना अच्छा बोला कि याद आ गए। तो हम लोग रिसर्च क्वेश्चन में अब बहुत सा चीज नहीं बताना चाहते हैं, पहले जो क्वेश्चन कैसे आते थे अब तो क्वेश्चन सब बिजी होता गया। चलो लिख लिए, अब रॉन्ग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा तुमको 100%। अच्छा अच्छा नीचे चेंज किया, राइट, अब सही हो गया, समझ में आ गया, राइट। उसका क्यों देख रहे हो, देख खुद लिखे हो तो, राइट सही है, तो दोनों साथ ही लिखे हो गए तब, राइट। अब याद आ गया, जैसे तुम लोग इतना जोर से बोले हमें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा है, या तो डिसिप्लिन नहीं पता है। राइट, लास्ट पे फिर तुम लिख दी बेटा सॉरी वर्ड नहीं चलेगा, राइट, यही ये लोग जानना चाह रहा था, एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम तब आएगा सेम पोजीशन पे होगा, देखिए और आगे बढ़े आप, और डाउट है तो पूछ लो पहले, सॉरी हेल्प लो पीछे, लिख लिया ना, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख के लेके आना, जहां से पढ़ के आए हो शायद ये भी बोल रही थी, अच्छी बात है। क्योंकि देखो ये डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि इसको अब और देखे, अभी थोड़ा और अप्लाइड है कि 93 के बाद चेंज क्या हो गया। देखो हम लोग क्वेश्चन सेटर में भी थे बहुत जगह, नहीं बोलना तो पहले क्वेश्चन अच्छा आता था, जैसे एम्स का क्वेश्चन था, उसमें मेंबर होता है 30 मेंबर, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन। अच्छा पहले का देखोगे एम्स का क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल का होता, वो IIT से भी ऊपर चला जाता था। कैसे बनाया जाता है, क्या क्या, तो वही चीज है, रीजनिंग ऐसा करना है कि बच्चे देखते देखते नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव तो बात ही नहीं सुनी, या तो जीरो आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तभी तो 10 लाख में 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ये सब है डिसिप्लिन। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ CH2Cl, CH2CH2Br। अच्छा सॉरी ऊपर वाले का नाम नहीं लिखे, अच्छा हम सबका देख लिए, इसलिए 2, 3, 4, 5 सेम पोजीशन पर, देखो डिफरेंस पोजीशन हो गया इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, इसलिए पेन 3 in 1 eye, ठीक है, कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछोगे, सेम पोजीशन पे होगा तो प्रॉब्लम है, हो गया राइट। राइट, दोनों मिक्स कर लो, दोनों देख लो एक दूसरे का,
राइट है कि रॉन्ग है तुम्हारा? राइट है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों? एक्सप्लेन करो तुम अपना सब उससे। इसीलिए तो कह रहे एबीसीडी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया बेटा, डाउट है? हाँ यार, फिर गलत गलत उल्टा करो। समझ में आ गया, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रॉब्लम होगी। इसलिए वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दें, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। हाँ, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट CH2OH, CHOH hold twice, CH2OH. हर तरह से रीजनिंग जान जाओगे तब अप्लाइड करेंगे। राइट, CHOH hold twice. क्या हुआ, साथ बैठ जाओ, प्रॉब्लम है? डाउट है तो पूछो, तो तक ले लोग बना रहा है। डाउट हो पूछते जाओगे, नो हेजिटेशन, धीरे धीरे करोगे पता चल जाएगा। बार बार पेज क्यों उलट रहे हो यार? चार बार देख, अच्छा तब देख रहा था, राइट सही। चलो हेल्प भी ले रहे हो तो अच्छी बात है। लिखो यार, ये सब तो किया हुआ है, अभी तक अप्लाइड किए नहीं। वाह, 300% रॉन्ग। जो पूछते हो प्यार से तो क्या बोले। राइट सही है। ये पहचानना चाह रहे हैं कि क्या सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, सेम क्लास में अलग अलग कैरेक्टर क्यों हो जाता है। बोलो क्या लिखे, गलती बोलो कॉन्फिडेंस से। हैं, अरे यार गलत समझोगे तब तो सही समझ में आएगा, गलत तो बोलो। हैं, फर्स्ट में थर्ड में मिथनल दिख रहा है, वो तो चेन है यार, इतना बड़ा चेन है। बोलो नेम, बोलो सुनोगे अब। सुनाई दिया, वन टू थ्री फोर, सही बोला है, लिख दे रहे ब्यूटेन, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। वन टू थ्री फोर टेट्रा और कहेगी सेम है, इसलिए प्रीफिक्स ये हाइड्रोक्सी जैसे लगा दिया। पहचानना भी है कि कहाँ हाइड्रोक्सी लगेगा नहीं लगेगा।
नेक्स्ट ब्यूट भी लिख सकते हो, ब्यूट भी लिख सकते हो, सॉरी हमको लगा ब्यूट तो एक दो को सही नहीं, इसका भी ब्यूट था, ब्यूट सही है। और बोलो क्या प्रॉब्लम है, पहले तुम ही लोग बोल लो क्या परेशानी आई। बेटा ये तो किया हुआ है, किए थे, ट्राई किए थे, चलो चलो नेक्स्ट अब मिक्स कर दें, चलो ट्राई करते हैं क्या होता। COH, CHOH, CH2OH हाँ राइट। हो गया धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा, लिखोगे दो चार गलत तब तो समझ गए, वाह फिर एन लिख दिया रॉन्ग, पेंटा सिक्स के लिए हेक्सा, देख रहे हो अब स्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम आई अब खुल के। मिस्टेक रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, तो राइट भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं हो सकता है, पेंटा ऑल भी होगा, हेक्सा ऑल भी होगा, हेप्टा ऑल भी होगा, पेंटा ऑल हल, वो तो मर्जी तुम्हारी है, वो मेरी मर्जी थोड़ी चली, बोलने से पहले ही लग गया कि रॉन्ग है। Mistake, wrong. अब इसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर देंगे, अभी तो कार्बन लिख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। अब समझ में आ रहा होगा जो जो स्ट्रक्चर नहीं किया है, अब कोई भी नेम देंगे करना पड़ेगा। बायो का स्टूडेंट कौन कौन है हाथ उठाओगे, राइट right. तो इसका चेहरा देखे हो कहीं, निक नेम क्या है, नहीं देखे हो, अरे यार 12th में तो मुलाकात केमिस्ट्री में होगी, 11th में मुलाकात हो गया होगा, बायो में ही, 10th में 9th में ही लोग पढ़ा होगा, ग्लूकोज है,
इसीलिए पूछे है बायो वाले स्टूडेंट कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर कंफ्यूज क्या कर दिया वो अलग प्रॉब्लम। ठीक है अब वो पूछ देते तो और प्रॉब्लम होता कि लिखो जी ग्लूकोज का आयु पक नेम क्या। यार अभी तो रिसर्च कर रहा है किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम करे पहले ही नाम बता दो। चलो तुम बता दो कौन कौन सा इस फंक्शनल ग्रुप ऐड है इसमें, केवल अल्कोहल है। इसी से पता चला कि होमवर्क नहीं किए हो। फर्स्ट तुम्हारे लिए लिख दिए थे COH, या तो कहते सर COH तो होगा ही नहीं, CHO लिख देते तो खुश हो जाते। चलो जी लिखो कुछ के साथ, किसी का राइट भी हुआ है, चलिए इसका राइट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सानल देखो सोचो फिर पूछो जिसको पूछो। अब तुम्हारी गलती अपनी समझ में आ गया, 100 बार तुमको समझाया कि पेरेंट्स में नहीं लिखते हैं पोजीशन, इसीलिए अभी नए नए थे इसलिए मिस्टेक बोले, नंबर मिलेगा तो 0 ध्यान रखना। क्या प्रॉब्लम हुआ? अच्छा स्ट्रक्चर, हाँ आप सही बोल रहे। अब देख रहे बात खुल के अब आ रही है, अब बॉन्ड लाइन बनाने जा रहे हैं और देखोगे और खुल के प्रॉब्लम आएगा। शुरू से इसीलिए बोल रहे थे हाइड्रोजन फ्री का है, अब COH को बहुत सारे को अल्कोहल दिखा, बहुत को कीटोन दिखा, तो ये COH है या CHO है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी क्वेश्चन पूछो यार, सोचो एनालाइज करो फिर पूछो, तो देखे कि इससे ऊपर जाए या और नीचे आ जाए। समझ में आया नाम ग्लूकोज जो बोले हो तो समझ में आया था, इसी का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं ग्लूकोज कॉमन नेम। ये 12th क्लास के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ग्लूकोज का आयुपक नेम लिखो। यार तो यही तो है, राइट देखो आप क्वेश्चन आया, हेल्प करो। ऑल कब होगा, हाइड्रोक्सी कब होगा, वो भी नहीं। सही बात है, एक से एक प्रॉब्लम है। तो पीछे से हेल्प करो जी, पूछा कि हाइड्रोक्सी कब लिखेंगे और ऑल कब लिखेंगे। तो स्लो क्लास हो, बोलो हेल्प करो, सुनो अब। हाँ बोलो बेटा, राइट। तो वो कह रहा है कि हम ऑल क्यों नहीं लिखेंगे, यही पूछना चाह रहे हो ना। हाँ पेरेंट हो गया एल्डिहाइड, अब हम हेल्प कर दे रहे, पेरेंट हो गया एल्डिहाइड, प्रीफिक्स हो गया अल्कोहल, अल्कोहल जब प्रीफिक्स हो गया तो ऑल कभी नहीं लिखेंगे, इसीलिए 2 3 4 5 6 पेंटाइड। सही, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, अब हमें नहीं पता है कि ये भी प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन पूछो अब, यार ऐसे तो 1000 क्वेश्चन करा देंगे, तुम सोचोगे बना दे हम बनने नहीं देंगे, डिसिप्लिन नहीं जानोगे तो। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो फ्रुक्टोज का आई पैक नेम, फ्रुक्टोज है
देख रहे हो बाएं वाले बैठे हुए मुझसे पूछ रहे हैं फॉर्मूला लिख दोगे हैं? अच्छा फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, चलो अच्छी बात। राइट डाउन फ्रुक्टोज यही है, ABC12 यही है, ये भी फॉर्मूला स्ट्रक्चर का खेल लिखो, बोलते कि सेम है CH2OH CO CHOH all thrice CH2OH राइट डाउन। बोलना है कुछ ट्राई, गलत बोलो, क्लास में जितने गलत बोलोगे उतने परफेक्ट हो जाओ। अब तो खुल के आया, जो जो होमवर्क एकदम नहीं किया है, जो शुरू में कहते थे स्ट्रक्चर करो, अब बोलेंगे स्ट्रक्चर मत करना तो जरूर करोगे। हो गया राइट ये सही हुआ, कुछ तो लिखे तब इसके बाद गलत सही पता चलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, हो सकता है तुम ढूंढ भी लोगे, ट्राई करो। राइट रॉन्ग, जैसे रॉन्ग बोले उधर नजर चला गया क्योंकि उधर राइट है। यार बड़ी प्रॉब्लम है, तुम अपना दिमाग लगाओ क्यों रॉन्ग हुआ। अगर दिमाग एक बार गलत बोले तो हेल्प किया, इसको नेगेटिव नहीं लोगे तो पॉजिटिव होगा। वो क्या पूछ रहा है, दोनों सेम फॉर्मूला होता है, बाकी आगे रिएक्शन में होगा क्या है प्रॉब्लम। देख रहे बेटा, देख रहे बेटा, आप गलत बोले या सही बोले तुमको पता नहीं चला। राइट, ये लोग सोचता है कि हमको याद है तुम क्या किए, उसी समय रॉन्ग राइट बोल दिए। वाह यार, तू तो रिसर्च कर रहे हो, उसे ही बात पता चल रहा है कि क्लास में बैठे ही नहीं थे। राइट, थोड़ा ऐसा लिखो कि दिखे, तू तो ऐसा लिख देते हो कि फ्री में नंबर तुम्हारा कट जाएगा, आदत नहीं। कोई बात नहीं यार, फिर दिखाओगे फिर बोलेंगे राइट रॉन्ग। अच्छा अच्छा पीछे लिख, अच्छा अच्छा देख के उसके बाद बोल रहा है। सर मैंने पहले लिखा था, क्यों रीचेक किया। अब मुझे फिर से बोलो तू। सर 1.3.4.5.6 पेंटा हाइड्रोक्सी नेक्स्ट टू 1.2 ओन। तुम सीधे हेक्सानोन लिखे थे क्या, कि हेक्सेन लिखे थे, पता नहीं क्या, किसी में हेक्सेन था किसी में हेक्सानोन था। चलो राइट डाउन, अब मैं बोल रहा हूं फिर जिसको पूछना है पूछे। अरे यार लड़ाई थोड़े करना है, अभी क्वेश्चन हजारों मिलेगा। चलो राइट डाउन, 1, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन या हेक्स, दोनों सेम है। हेक्सेन एन लिखोगे तो लास्ट में ई नहीं लिखोगे, या हेक्स भी लिखोगे तो राइट है। हेक्स 2 ओन, क्या कहते हैं, कीटोन में पोजीशन देना मस्ट है क्योंकि वो मिडिल में होता है।
वन पे तो कभी ओन होगा नहीं, टू पे हो सकता है, थ्री पे हो सकता है, इसलिए कार्बन कंटेनिंग में कीटोन भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें पोजीशन देना पड़ेगा। शायद कुछ ने हेक्सानोन लिखा था, किसके रजिस्टर में था पता नहीं, तुमने हेक्सानोन लिखा था हाँ, और तुम्हारे लिए हेल्प कर रहे हैं कि मिडिल में होगा तो पोजीशन देना होगा, तो हेक्सेन टू ओन। और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? अच्छा अच्छा, तुम तो मेजर ही प्रॉब्लम कार्बन ही नहीं था, ओहो अच्छा अच्छा, तो मेजर प्रॉब्लम था पेंटा हाइड्रोक्सी ओन शायद लिखी, हो गया आप बड़े आगे स्टेप, समझ में आया? देखने में बहुत अच्छा लगता है, फिर अगला क्वेश्चन है, फिर नया लगेगा जो इन लोगों के साथ अब देख रहे हो, कह रहा है कि हमने तो रटा था, पहले इन को लेते हैं फिर सॉरी आइन को लेते हैं फिर इन को लेते हैं, अब अच्छा नेक्स्ट क्लास में भी देख के आना। चलो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहे हैं, शुरू करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कराया था शायद कुछ कम हो रहा है। राइट डाउन नेम ऑफ लिक्विड, ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो कार्बन कार्बन लिख दो पहले, तो वो तो लिख लोगे, तो लास्ट क्लास में इन लोगों को समझाया था। तो देखते कि अप्लाइड हो गया कि लेवल से ऊपर गया, फिर लेवल से नीचे आ जाएंगे। इसमें सबकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगा कि होमवर्क कौन कितना किया है। नहीं समझ में आ रहे तो सीसी लिखते जाओ, जितने अप डाउन है सब जगह कार्बन है। एंड पॉइंट पता चलो हम हेल्प कर दिए, एमी का मतलब होता है मिथाइल, नहीं भी रहता तो कार्बन है। पहले उसमें ढूंढोगे कौन है पेरेंट, उसके अनुसार चलोगे। इसमें तीन चार फंक्शनल ग्रुप आ गया, तीन या चार कम कर दे क्या, पेरेंट ढूंढ लो तो नेमिंग हो जाएगी, पेरेंट नहीं ढूंढ पाओगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए शुरू से क्लास हो, कौन कितना होमवर्क किया खुल के प्रॉब्लम अब आएगा। जब नहीं समझ में आए सीसी लिख के ट्राई करो, कहीं उसमें दिख जाए, कहे कि जो जो होमवर्क नहीं किया होगा अब खुल के प्रॉब्लम आएगा, नहीं समझ में अब आएगा, अब सीसी तुमको लिखना पड़ेगा। ज्यादा टफ हो गया था बोल दोगे, इसको मिटा देंगे दूसरा देंगे, हमें पता नहीं चल रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि सब करा चुके हैं, ये तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। हो गया, ट्राई करो, नहीं दो चार मिनट और टाइम दे रहे हैं।
अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कार्बन लिख के करोगे, हो सकता है उसे दिख जाए, ताकि होमवर्क सीसी लिख कर किए हो। आईआईटी सब में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बॉन्ड लाइन अब तो मेडिकल में भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया। ट्राई करो, अरे यार तो एक दो को रिप्लेस कर दो, जो तुमको टफ लग रहा है उसको रिप्लेस कर दो और फिर लिखो, और इजी हो जाएगा। कुछ तो करो यार, जिसको डाउट हो रहा है उस पॉइंट को रिप्लेस ही कर दो। हो गया? ठीक है बेटा, ये ट्राई करके ही होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। रॉन्ग, और ट्राई करो। मैंने पेरेंट को ढूंढना है, शुरू से पूछते थे कि पेरेंट का मीनिंग क्या होता है, याद होगा दो चार क्लास में इसीलिए पूछे थे। चलो कुछ तो स्ट्रक्चर की हो तो लग रहा है कि हाँ दिमाग लगाने की कोशिश कर रही। पेरेंट अगर पकड़ लिया तो तुम सही कर दोगी, तुमसे पेरेंट ही नहीं मिल रहा है। टू 100% रॉन्ग। हो गया? अब पता चल रहा होगा होमवर्क कितना जरूरी था। चलो क्या बोले, सबका कैरेक्टर पता चल गया, रुके हुए हैं, अभी होमवर्क नहीं किया है, दिमाग तो सही यूज कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम खुल के आया। मतलब पेरेंट ही नहीं मिल रहा है लोगों को, बोलो जी क्या पेरेंट दिख रहा है, वो भी हेल्प कर दोगे तो बहुत को पता चल जाएगा। दिख रहा है यार, सीसी लिख कर देखो। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन नहीं तो पेरेंट ढूंढने में लग गया घंटों, इसीलिए लोग को पता नहीं चलता होगा सीनियर क्या है जूनियर क्या है, सबको बराबर ले लो। देखिए पेरेंट क्या, जोर से बोल दो क्या है पेरेंट। अरे यार एक पेरेंट का मतलब होता है ओनली फंक्शनल ग्रुप, कीटोन दिख रहा है, वहां से क्या दिख रहा है कीटोन, राइट, वहां से एस्टर, वहां से देख रहे हो सब जोन वाइज बटा हुआ है, ये जोन कीटोन के पीछे पड़ गया, मिडिल वाला कहेगा बोलेंगे ही नहीं। क्या दिख रहा है पेरेंट? हाँ उसका नाम नहीं है यार, अब देखो कितना स्मार्ट है, सही है। होमवर्क नहीं किए हो, पेरेंट के इथर भी है इसमें, इसीलिए कुछ भी करो नहीं बनेगा।
जब पेरेंट नहीं मिला तो नाम कहां से कर लोगे? ईस्टर है, सही बोले है, ये यही देख रहे बैच में कौन कितना ये सही प्रैक्टिस कुछ की है, 10% गलती कर रही है, 5% जो भी, पूरे बैच का देख रहे प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉब्लम। चलो इतना तो हेल्प कर देगी, ईस्टर है, अब ईस्टर के अनुसार चलो। अब जो किया होगा ईस्टर वो नाम लिख सकता है, जो नहीं किया होगा नहीं लिखेगा। आधे घंटे में तब पेरेंट को ढूंढा गया। समझ में आया ईस्टर? हाँ करो नेमिंग, एक बार और ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। तुमको ये एहसास दिलाना चाह रहा है कि शुरू में स्ट्रक्चर जो किया है, देख रहे हो बहुत सारे ओन 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 दिख रहा है, वो लास्ट वाला और स्मार्टेस्ट कर रहा है, इथर दिख रहा है, कार्बन उसको दिख ही नहीं रहा था। इससे छोटा क्वेश्चन कर दे, यानी ईस्टर फैमिली नहीं किए हो तब। चलो ट्राई कर लो एक बार और, हेल्प तो हो ही गया, ईस्टर फैमिली है। चेक कर दे, राइट यार, गलत होगा तब तो सही होगा, देख रहे कर रहे हो, थोड़ा ट्राई करो, और जो भी तुमको आउट करना है आउट कर दो, फिर ट्राई करो। ये वाला, अच्छा ये वाला, स्टेक है अभी भी। क्या देख रहे थे? अभी वही है, चेंज नहीं की। तुम क्या करो, सबको हटा दो, ओ एमी को सी हुआ लिखो, छोटा भी तो करके लिखो। सही लोग ईगो पाल लो, अगर नहीं हम क्यों हटाए, जो मर्जी है उसको रिप्लेस कर दो। अरे हम बनाने से फायदा ही नहीं है, तुमको तो फायदा यही कर रहा है कि तुम रिप्लेस, ये नहीं आ रहा इसको हटा दो, ये नहीं आ रहा इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो, फिर नेम लिख दो, हमें भी तो पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तभी तो हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देख रहे हो ये लोग सोच रहा होगा बना दें, बनने नहीं देंगे अभी एक भी क्वेश्चन, जब सोच लेंगे तो। एक कौन आ कर लिया, यानी लेवल पे आ गया, तब वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ये शुरू से जो आदत तुम बनाए वो कर रहे हो, ईस्टर तुम ठीक से किए नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो अब हेल्प लिखे, अब अभी अच्छा ये सही हुआ, तुम्हारा 5% या 10% गलत है चेक कर लो। अब ये हमें थोड़े पता है यार, एक तो हेल्प कर दो और उसमें 0 नंबर दे देंगे तो खुश हो जाओगे। अब हेल्प कर दिया कि थोड़ा सा मिस्टेक है, ट्राई करो। मिस्टेक रॉन्ग तो नहीं कहेंगे। चलो इतना दूर तक पहुंच गए, अब ये क्लास इन लोगों के लिए हो सकता है, बाकी तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखो क्या ना लिखो। आधे घंटे में पेरेंट्स को रिसर्च किए, ईस्टर है, अब जो ईस्टर फैमिली किया होगा उसको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, देखने के बावजूद भी
अच्छा समझ में नहीं आ रहा, राइट तुम्हारे लिए लोड पोजीशन दे दे रहे, 1 2 1 2 3 4 5 लो तुम्हारे लिए, बाकी के लिए नहीं दिए। अब ट्राई करो, आज इसका मिस्टेक है वो चेक कर लो, हो गया कुछ चेंज किया है? तुम क्यों नहीं चेंज कर रही हो? कर दिया राइट, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा और मिस्टेक है। अब 2% इसी वाला दोनों मिलके करते हो? होमवर्क नहीं किया बोल रहा है कि हमको तो कभी देखा ही नहीं, रजिस्टर बोल रहा है, वाह पूरा रिसर्च किया है बेटा। यहाँ रिसर्च घर पे बैठ के बनाओगे तभी, ये तो बोल रहा है कि हमको रजिस्टर को कभी बनाया ही नहीं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी लगा रहा है, वो देख रहे हो कैसे आगे पीछे देख रहा है, उसके लिए पोजीशन भी लिख दिए हैं, पोजीशन से कोई पता नहीं चल रहा है। हो गया मिस्टेक, पता चल गया क्या है? पोजीशन से कोई फायदा नहीं हुआ। चलो जी अब लिखवा रहे, चेंज कर दिए, कर दिया ना, वो मिस्टेक नहीं था, तुम्हारा क्या मिस्टेक था, भूल जाते हैं किसकी क्या गलती है। हाँ मेजर गलती है राइट, वो आगे पीछे के लिए गलत नहीं करेंगे। अच्छा वो तो क्लियर बता रहा है कि तुमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, कुछ भी लिख दो। अभी एरोमेटिक भी नहीं डाले हैं, साइक्लिक भी नहीं डाले हैं, सोचो अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। अभी तो केवल पहचानना दे रहा है कि देखो यार ये एस्टर है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि ईथर है, उसमें और हेल्प कर दिया। जिसको डाउट है ये ओएम ही हटा देते। लास्ट वाला बोला सर पोजिशन दे दो, पोजिशन भी दे, नहीं बोले तुमको हेल्प किया कि यार देखो पोजीशन लिख दिया, चलो अब राइट डाउन। हाँ तुम्हारी गलती क्या थी? अल्काइल में राइट लेफ्ट होता है, उसमें पोजीशन नहीं देते हैं, ये अलग है ये अलग है। इस्टर में राइट लेफ्ट चलता है, लिखे हो गए चार्ट में देखो कि आर, आर का मतलब है अल्काइल, क्या हुआ अब नेमिंग लिख रहे हैं, पहचान में आया इस्टर कैसे है? नहीं तो कैसे दिखेगा यार। चलो जी लिखोगे राइट डाउन, लिख लेना फिर अब हम लिखते हम 1,1-dimethoxy राइट डाउन, 1,1-dimethoxy इथाइल, 1,1-dimethoxy इथाइल, ये स्टॉप ठीक है। तुम लोग सबको वन पे लिख दिए थे ब्रैकेट, शायद उधर भी वही था ब्रैकेट में, शायद वो भी कर दिया। अब उसके बाद लिखोगे अल्फाबेट कर लेना, वो 3-keto या ऑक्सो भी लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 4 ब्रैकेट में 4 के बाद डैश, फिर ब्रैकेट में NN डाइमिथाइल एमिनो, NN डाइमिथाइल एमिनो पेंटानोएट। देखो सोचो अब क्वेश्चन हमसे पूछो। अरे बेटा तो बोल दो उसको, तो 2% गलती बोले हैं, मैथमेटिकल भी बोले हैं, हम सोचे कहीं पकड़ लेगा, तो होमवर्क नहीं किया है, वो खुल के प्रॉब्लम आ रही थी, वो कुछ भी समझा देते नहीं कर पाता।
ब्रैकेट मैथ के स्टूडेंट हो, कभी भी ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्यों दिया जाता है समझना चाहिए। तुम भी शायद ब्रैकेट लिखी थी, वन शुरू में ही वन लिख दी थी, वो नहीं लिख रहा है बेटा, वो राइट लेफ्ट है। तुम सोच रहे हो कि इसके अनुसार चल रहा है, इसके अनुसार नेमिंग हो रहा है, लेकिन ये अलग हो गया। बोलो क्वेश्चन, बोलो जी जो डाउट है बोलो, अपने अपने डाउट पूछते जाओ, जो जिसकी जो प्रॉब्लम। आप नीचे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, फिर अगला देखे नहीं बनने देंगे। क्वेश्चन रीजनिंग करोगे तभी समझ में आएगा। आराम से देखो, कंपेयर करो, फिर हमसे क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसे कैसे एनालाइज किए। मेन प्रॉब्लम है पैरेंट फंक्शन रूप यानी सफिक्स पहचानना। सबसे बड़ी ट्रेजडी है कि सारे बच्चे कीटो कीटो की ओन ओन लिख दिए थे। बताओ ये ओ बॉन्ड ओ अटैच है, एस्टर में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चलो अपनी अपनी प्रॉब्लम बोलो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? अच्छा एमिनो नहीं लिखा, राइट में ब्रैकेट कर दिए थे वन पे सब। हाँ ये मेजर फॉल्ट है, इसका मतलब है होमवर्क नहीं किए हो। उसमें भी टर्शियरी सेकेंडरी होमवर्क दिया था, उसको भी कहा था आईपैक लिख लेना। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मिथॉक्सी भी नहीं लिखा था एमिनो मीने, तो और प्रॉब्लम। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? अच्छा सबका एमिनो ही प्रॉब्लम था। तुमको तो पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा नेम लिखवाए तो इसके बाद कुछ एनालाइज करके बोलो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हारे लेवल थोड़ा क्वेश्चन को लो लेवल कर देंगे। हैं क्या बोला? ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब उसके अंदर होता है तब ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे पोजीशन के अलावे वो अलग फैमिली है। जैसे यहां से छुट्टी होगी, कहाँ जाओगे? घर, राइट। बाहर वाले आएंगे तो लगेगा सब एक फैमिली के हो, यहां से बाहर निकले तो कैसे बोल रहे अपने घर चले जाएंगे। ये भी हो सकता तुम इसके घर चले जाते, वो तो एज ए फ्रेंड जाओगे दो चार घंटे, तो वही सेम थिंग। जैसे पोजीशन दे दिया कि फोर है, तो फोर का ये ब्रांचिंग है, अब इसके अंदर भी ब्रांचिंग होगा। क्योंकि हम जैसे नहीं कहा जाता है हम सब इंडियन है, बाहर से देखोगे तो इंडिया से बाहर जाओगे तो क्वांटम नंबर में समझाया जाता है, उसे पूरी कैरेक्टर और पता चल रहा है। कोई फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में तुमको ढूंढना ईजी है कि इंडियन है यहाँ पर। अब तुमको तुम्हारा नाम जानता है, इंडियन जानता है, कितने दिनों में ढूंढ लेगा इंडिया में आकर? हाँ अरे यार तो बोलोगे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा, नाम है और इंडियन है, कितने दिन लगेगा? हाँ देखो कितना, वो मैथ का स्टूडेंट है। अच्छा इन्फिनिटी बोले थे, अंदर ही बोले थे, जोर से बोलते, देखो वहां ढूंढ लेगा लेकिन इंडिया में नहीं ढूंढ पाएगा। अब देखो इंडिया में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अब हम सब इंडियन है, उसी में अब कहेगा ये यूपी के है, ये दिल्ली के है, ये यहाँ के है, तो लेवल जैसे जैसे होगा। फिर दिल्ली में आ जाओ तो ये रोहिणी साइड ईस्ट के है, ये वेस्ट के है, साउथ के है, अलग अलग प्रॉब्लम होगा। अब फिर ऊपर से सोचोगे तो सब इंडियन है, बाकी सब उसी तरह से। इसमें भी है जो पूछ रहा था कि सर ब्रैकेट क्यों दे देंगे। अब सोचो और एडवांस में जाओगे, इसके अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अभी तो ब्रैकेट का खेल नहीं समझ में आ रहा है। जैसे फोर दिया गया, ये फोर पे आ गया तो एनेंडाई मिथाइल एमिनो होगा, ये सब फोर पे है। अच्छा ये बच्चे कुछ बच्चे लिख दे रहे थे वन ब्रैकेट में वन वन, अब यही टू पे दे देते ब्रांचिंग, थ्री पे दे देते तो और प्रॉब्लम होगा। समझ में आया ब्रांचिंग? अंदर जब ब्रांचिंग होगा उसमें ब्रैकेट लिखते हैं। कहां पे ब्रैकेट लिखे थे कि तुम्हारा गलत हो गया था? अरे यार तो ये तो मेजर प्रॉब्लम है,
ईस्टर में राइट लेफ्ट होता है, ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो। Me 3 C, CO 2 CH 2 CME 3 लिखो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे दिया। ये तो करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। यही सब होमवर्क में कहा था कि सिंगल कर लो तो मल्टीपल समझ में आ जाएगा। तो देख रहे हैं, सोचो इजी क्वेश्चन दिया तो इसमें भी प्रॉब्लम, या तुमको ब्रेक, वाह इंटरेस्टिंग। लिखे हो कि नहीं कुछ? देखो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, है? सर मैं ना देख रहा हूं। देख रहे हो बार बार तुम स्ट्रक्चर कर रही हो। वही ना, उतना टाइम थोड़े एग्जाम हॉल पे दिया जाएगा। राइट, इसमें डैश देने की जरूरत है, चलो लिख दो, कोई बात नहीं। राइट, अब किसी भी बुक से बना सकते अपने आप लेवल अप। देख रहे हो इस क्लास में करने में परेशानी होगी, कौन कितना किया हमें पता खुद नहीं है। राइट यार, थोड़ा सा हैंड राइटिंग तुम लिखो खूब, पहले तो चार पेज लिखो, परफेक्ट हो जाओगे। चलो हो गया, समझ में आया? तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा ही क्वेश्चन था, पता भी नहीं चला उसको। चलो नेक्स्ट, पूछना है क्या कुछ? पूछना है तो खुश हो गया, राइट हो गया तो। पूछना है कुछ तो देख लो, नहीं तो नेमिंग फिर दसो देख जाओ। डबल बॉन्ड वो है,
मिस्टेक मिस्टेक रॉन्ग बहुत स्मार्ट हो तुम्हारे साथ बैठे रहे राइट राइट मतलब अभी सिंगल ही कराना ज्यादा फायदेमंद है मल्टीपल कराओ तो प्रॉब्लम होगी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है नाम नहीं है उसका एमाइन है 5 degree 6 degree 7 degree ये प्रॉब्लम है होमवर्क कितना किया वो चेक कर रहे थे उसमें 3 branching है तो प्रॉब्लम तो होगी क्या प्रॉब्लम है लास्ट इसीलिए पूछ रहे हैं अच्छा अभी लिख रहे हो देख रहे हो आ गए सिंगल पे मल्टीपल पे करना शुरू किए थे अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है होमवर्क नहीं किए हो राइट हो गया अच्छा अभी सोच रहे हो अच्छा अच्छा देख रहे हो सिंगल में ही सोच रहे हैं तो मल्टीपल के साथ तो प्रॉब्लम होगी बेटा जब नहीं समझ में आए तो सीसी लिख दो तो ये क्लास छोड़े हो इसलिए नहीं समझना यही है कि जितने टर्निंग पॉइंट है उतने कार्बन है एंड पॉइंट भी कार्बन है तो जो स्ट्रक्चर किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा जो नहीं किया होगा वो कहेगा सीसी लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा हो गया कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हो आ जाओ बोर्ड पे लिखो उसको क्यों यार जो पढ़ के आओ लिख डालो एक बार देख लो दिमाग ध्यान से क्या प्रॉब्लम है अब तुम लोग घर पे नहीं कर दो तो क्या करे बोर्ड पे भी लिखवा के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बार बार कहे यार गलत भी होगी तो मेरी गलती है हम तो मल्टीपल में चले गए थे डायरेक्टली हो गया छोटा इन क्यों लिखती हो पिछले बार भी हम पिछले बार से ध्यान नहीं दिए थे तुम्हारे क्वेश्चन का यहाँ भी छोटा ही एन है ये नॉर्मल हो गया ये एन हो गया बाकी सही लिखियो फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर दी अरे यार आदत खराब हो गया ये सब छोटी छोटी बात है बाकी सब सही है तुम्हारा कैपिटल एन करो और पीछे रजिस्टर को बनाओ उसको वो भी देख ले लिख दिया ना राइट सॉरी तो गलत है किससे कॉपी किए थे इससे अच्छा खुद किए हो तुम लिखोगे क्या सही हमें थोड़े पता हम तो भूल गए कि क्या सही था क्या गलत था चलो आ जाओ लिख दो बी चॉइस अब उस तुम्हारा कॉपी किया है पता भी चल जाएगा नहीं किया था। अगर अपने से लिखे हो तो अच्छी बात है थोड़ा हेल्प कर देंगे अभी पता चल जाएगा कॉपी किए हो या नहीं किए
वो आदत बनी रहेगी, जैसे उसका भी आदत हम देख रहे हैं, वो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, वेट लिख के चला गया। तो ये तुम लिखो क्या करे, वो चॉइस ऐसे ही आता है एग्जाम में। जो ध्यान भी नहीं देता है कि गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है काफी इंप्रूवमेंट है, नहीं गलती क्या है, तुम्हारे गलती के कारण इसको बुला लिया तो ये और मेजर गलती करके चला गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान देना, थर्ड पे भी आंसर पर ध्यान देना, थर्ड में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस, सॉरी सेकंड में क्या डिफरेंस लग रहा है, सेकंड और थर्ड मतलब कंपेयर करना शुरू कर दिए यार, तो बच्चा भी कंपेयर कर देगा, ये कौन बड़ी बात कर दिए, ये स्ट्रक्चर, ये नेम तीनों को कंपेयर करके बोलना है, तुम तो आराम से बोल दिए कि सर हमारा ये लैंग्वेज है इसका ये, तो बच्चा भी पढ़ देगा, स्टडी करना है, तुम्हारे में उसके में क्या डिफरेंस लगा, फर्स्ट वाले को तो छोड़ ही दो, वो अपना रिसर्च अलग कर रहा है, सेकेंड और थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, हैं? क्या होगा, तुम भी आ जाओ फोर्थ चॉइस यहां लिख दो, राइट। ये सबका कंफ्यूजन क्या क्या है, खुल के तो आ जाए, सही क्या लिखी है, हाँ ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा, चेंज हो गया क्या, ये वन है, अच्छा ओहो ये सभी प्रॉब्लम है, तुमको भी बुलाया नहीं, सेम है इसी चारों में है, अच्छा फोर्थ वाला है, ये फोर्थ चॉइस है, चलो ये लिख, तुम वन वन मिथाइल क्यों लिखे जी, तो बोर्ड लाइन है, इस सेकेंड वाला क्या लिखा है, वन वन डाई मिथाइल प्रोपाइल, हाँ जी चेन प्रोप कैसे आया, हेल्प करो, लॉन्गेस्ट चेन बोलोगे, तीन कार्बन कैसे है, ये वन टू थ्री राइट, ये तो ठीक है, इसके साथ ये वन टू तुम ही लिखे हो, ये हम लिखे, अच्छा ये लिखे, चलो तुम इसको कर दिए वन टू थ्री, यार ये कैसे लिखे हो प्रोपाइल, ये हेल्प करो, हाँ तो यहां भी तो है वन और टू है, ये दो दो तीन तीन प्रॉब्लम है, इसलिए जानना चाहिए जरूरी है, कहेगी
11 भी लिख दिया, डाई मिथाइल भी लिख दिया, प्रोपाइल भी लिख दिया, कार्बन तीन ही है, वो प्रॉब्लम है। टोटल कितने कार्बन लैंग्वेज में लिखे हो काउंट करके बोलो तो? पांच। एक बच्चे से भी दिखाया जाएगा, दो बार लिखे हो, पांच हो गया, पांच को करो, इसमें कितने कार्बन है? तीन। तो यार या तो प्रोपाइल भी लिख देते तो मान लेते थोड़ा। इसलिए कंपेयर कर रहे थे। अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये वन टू है, ये प्रीफिक्स हो गया, तो वन मिथाइल इथाइल होगा, तो ये क्यों दिए? और अगर दे दिया तो डाई लिखते, इसलिए आंसर फोर्थ सही। अब देखो, सोचो, जिसको पूछना है पूछो। बोलते जाओ जिसकी डाउट है। प्रॉब्लम ही लोगों है कि आराम से कराते चलो, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। कहे थे सिंगल पे पहले कर लेना, फिर से होमवर्क देना पड़ेगा तब पता चलेगा। हो गया? एक्सट्रीम क्वेश्चन भी करा देते हैं कि जो पता तो चलेगी क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे। राइट डाउन। अब इसके भाई एक लेवल और ऊपर कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्यों बना दूं? तुम्हारी मर्जी थोड़ी है। मैं तुमसे भी डर रहे हैं कि छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्या 14 फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते, 14 फंक्शनल ग्रुप जो किए हो, तब एक्चुअल पता चलता कि नेमिंग क्या होता है। ये सब तो देख रहे हैं कि लेवल देखो और बुक से बनाते जाओ, जितना बनाओगे उतना कम है। अब देख रहा हूं तुमको लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। पैरेंट ढूंढ लोगे, नेमिंग हो जाएगी। आज जिसको डाउट हो एक एक गैप कर देना। ये तो टेक्निक बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन कराए हैं इसलिए दिए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करो बेटा, जो नहीं हो रहा है ना उसको आउट करो। हाँ, पानी पी के ही करो, कोई बात। इसलिए इस लेवल तक लाना जरूरी था। बहुत लोग सोच रहा होगा कि कर लेंगे देखकर, खुद प्रैक्टिस कर नहीं करोगे नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास हम रिएक्शन पे चले जाएंगे, फिर 2-3 क्लास के बाद बोलोगे सर अब आओ पोजीशन पे। ट्राई करो तो
तुम क्या करो, इसको आउट कर दो, इसको आउट कर दो, ट्राई करो। फर्स्ट कर लो, फिर सेकंड कर लो। जब ये लोग कंपेयर हो जाएगा, ये लोग ज्यादा क्लास किया है तो ज्यादा बेनिफिट है, तुम कम किए हो तो कम बेनिफिट है। नहीं नहीं, वो एक्सक्यूज तो तुम्हारा समझ गए। मेरा एक्सक्यूज है कि जो नहीं आ रहा है उसको गॉन करते जाओ, तो लेवल वन हो जाओगे, लेवल टू हो जाओगे, लेवल थ्री हो जाएगा। डरना नहीं है, तुमको नहीं लगना है तो इसको भी आउट कर दो, फिर आउट करके देखो क्या नाम होगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो बाहर हो गया, वो तो रिंग है। नहीं नहीं, ओपन को प्रायोरिटी, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। ओपन को प्रायोरिटी देंगे, रिंग जो होगा प्रीफिक्स में आ जाएगा। ये सब ब्रेन टीचर क्वेश्चन है, पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज कर देता है। नहीं, रीजनिंग करोगे तो इजी है, ज्यादा टफ है नहीं। अभी अभी 10 मिनट पहले क्वेश्चन कराया था, थोड़ा चेहरा फेस बदल दिया है। हाँ बोलो जी। देखो वो भी गया, गलत हो या सही हो यार, ऐसे देखने से थोड़े पता चलेगा, अभी तो उसी को पता नहीं चल रहा। देखो अपने कितने अभी देखा भी नहीं, राइट। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बैच का असेसमेंट तो पता चले किस लेवल तक पहुंचेंगे ये लोग। थोड़ा सा ट्राई करो, 60% राइट, 40% रॉन्ग मैथमेटिकल। पहला बार एरोमेटिक सेट डाले है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। एरोमेटिक तो नेमिंग कराया था, नहीं एरोमेटिक नेमिंग कराया था, तब ऐसे क्यों लिख रही हो जी? एक बार और लिखो, ट्राई करो, अगर कराया था तो। हो गया, पेरेंट्स ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढा? वो तो ढूंढ लिया तो सही है, तब करो नेमिंग। कौन सा पेरेंट है इसमें इतना बता दो, छोड़ दो बाकी नेमिंग सबसे करा लेते हैं। इतनी छोटी बात पूछ रहे हैं, जैसे नहीं कि जनरल देख कर ये इससे पता चल जाएगा ये सीनियर है, उसी तरह से इसमें सीनियर कौन दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा, जब यही नहीं दिखेगा तो दिखेगा क्या? लास्ट हो गया, ट्राई करो एक बार और। लिख तो नहीं लिख पा रहे हो तो तुमको हेल्प करे क्या करना है यार? तो ये देख रहा है, रजिस्टर देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो जी? दो इधर हैं, सुनो बेटा, मिथाइल इथाइल आता है, क्या करूं इस फंक्शन ग्रुप में? देखो इसको समझ में आ गया, इस पर 5 कंपाउंड अपने से अभी लिख, ये तो कर सकते हो। वैसे दो लिखोगे तो फेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड लिखो, अभी अभी तुमको समझा दे रहे हैं।
हो गया, ट्राई कर ली, अभी बैठे हुए, लेकिन ट्राई करो, कुछ सही है कुछ गलत है। हाँ लिख दिए हो तो दिखाओगे तब तो, हम थोड़े हम सोच रहे हैं ट्राई कर रहे हो तो हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, सबकी अलग अलग सोच हो गई है अब। वाह, या तो तुम उसको हेल्प किया या उसको कंफ्यूज किया, एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो कर ही दिया। क्या समझा है? वाह, ट्राई करो, ये लोग तो ट्राई के लायक भी नहीं है, डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। हो गया, बेटा ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम अच्छा कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। साइक्लो माइंड लिख दिए, आगे नहीं लिख सकते हो। क्या हो गया? क्या तुम लिखे? तुम अपना बोलो लैंग्वेज जरा। बेंजीन कहाँ है? तो बेंजीन जैसे बोल दी उसके आगे बोल ही नहीं पाओगे। इन एन आइन बोलने के बाद आगे स्टॉप, अभी हमें नहीं पता, शायद एक भी सही नहीं हुआ। ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। क्यों नहीं लिखा जा सकते? क्या चीज? अच्छा लॉन्गेस्ट विन, नहीं वो तो ओपन में करेंगे। अब वो कहना चाह रहा है, हमें नहीं पता, वो कहना चाह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मजाक हो गया यार। अरे यार वो रिंग है, वो ओपन है। अच्छा ये तो मेजर प्रॉब्लम है, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ओ हम एक बार समझा दिए तो वो कह रहे सर आपने बोला, हमको लगा आप क्या करना चाह रहा है। देख रहे हो कितने स्मार्ट सब बैठे हुए हैं, कह रहे ओपन चेन सबको ऐड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? दोनों लड़ाई कर रहा है, कह रहा है कि ओपन अलग होता है साइक्लिक अलग होगा। मेन बताऊं? अरे यार तुम मेन बता दो तो हम नाम बता देंगे, कौन है पेरेंट। देख चेंज किया, राइट। चलो सब एरोमेटिक नेमिंग नहीं किए हो ठीक से, बोलो तो और मेजर प्रॉब्लम है। 100 बार लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब साइक्लिक कंपाउंड करा रहे थे, देखना चाहते तो पीछे चार्ट में देखो आराम से। और पता है कि बच्चे गलत करते हैं, एक दो सही भी लिख रहे थे जो एरोमेटिक नेमिंग कराए होंगे तो लिखे होंगे। चलो तुम पेरेंट बता दो तो हम नेमिंग करा देंगे। दिखा पेरेंट वहां से, दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा, अब दिखा रहे हैं। सर्किल कर दिया, अब बोलो कौन पेरेंट है। सर्किल कर दिया, अब उसका नाम केवल बता देना है।
तुमको बोले हैं यार बड़ी समस्या है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास छोड़ने से कितनी प्रॉब्लम है। अब या तो उसको सपोर्टर में रखे रहोगे, चार सपोर्टर चाहिए तुमको ईस्टर पहचानने के लिए, देख रहे हो पीछे से बोल दिया ईस्टर के अनुसार। चलो और भी कोई बोलेगा, एक बार और रिपीट करना चाहो तो बोलो। अच्छा चलो बेटा, तुम तुम्हारे साथ कुछ सही जा रहा था, तुम फिर से रिपीट करो, सुनोगे। अच्छा बेंजीन लिया, हाँ। बेटा डिसिप्लिन में चलोगे तब तक। अरे यार बड़ी समस्या है, पहला तो 100 बार का है, एन इन आइन जैसे लिखोगे उसके आगे पेन नहीं चलेगा। अभी से ज्यादा क्लियर क्या बोले, किसी ने बेंजीन लिख दिया, किसी ने प्रोपेन लिख दिया, किसी ने साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, उसके आगे कुछ नहीं लिख पाओगे। चलो अब शुरू कर रहे, क्या कि साइक्लिक दे दिए हैं तो एक हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी। शुरू करें, तुम दोनों को देखकर तो और हम कंफ्यूज हो गए कि यार एरोमेटिक नेमिंग हमने शायद नहीं कराया है। यार फेनाइल को तुम बेंजाइल लिख रही हो, बेंजोइल लिख रहे हो, क्या क्या लिखे जा रहे हो। चलो अब देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम है। ये तो कह रहे 10 तक ले जाओ सर, पोजीशन के लिए बोलो यार, क्वेश्चन कुछ बोलोगे तो बोलोगे तब हेल्प करेंगे। अच्छा यही लिखा था, राइट राइट में केवल 1 लिखेंगे कि 2 भी लिखेंगे, लास्ट बेंच राइट में 1, 2 होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों, नहीं होगा क्यों। साइक्लिक है, अब क्या नाम हो जाएगा, हाँ राइट। फिर अरे आगे नहीं बोल देगा, ये प्रॉब्लम है, ये लोग कंटिन्यू बोलना शुरू कर देता है। बोलो फिर से राइट वाले का नाम, बोल तो रहे थे उसी में थोड़ा ऐड कर देना था। तो मिथाइल कहाँ है, बिना कार्बन का कैसे होगा, हवा में घूमता रहेगा फेनॉक्सी। तो लिखो जी 111 ट्राइफेनॉक्सी मिथाइल, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को तो ठीक है, इधर मिथाइल एक कार्बन है, 111 ट्राइफेनॉक्सी मिथाइल, बोलो प्रॉब्लम। ट्राइफेनॉक्सी पीएच है, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, बोलो। अभी राइट साइड या अभी लेफ्ट में शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट में चले, क्या प्रॉब्लम है राइट में। ट्राइफेनॉक्सी 111 ट्राइफेनॉक्सी मिथाइल, बहुत सारे इधर भी शायद मिथाइल नहीं लिखे थे, तुम लिखे थे, चलो ठीक है। अच्छा अल्फाबेटिकल अपना करते रहना, उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो फिर कहोगे 2-साइक्लोप्रोपाइल, अब यहां के बाद तुम लोग का प्रॉब्लम है। 3 ब्रैकेट में 4-एमीनो-साइक्लोहेक्साइल, 3 ब्रैकेट में 4-एमीनो-साइक्लोहेक्साइल। अब आ जाओ 4 पे, 4 ब्रैकेट में
फोर ब्रोमो फेनाइल या बुक में मिलेगा पी ब्रोमो, अगर अर्थो पैरा जानते होगे तो पी ब्रोमो फेनाइल, अन्यथा भी लिख लो फोर ब्रोमो फेनाइल पेंटा, इसके इसके अंदर भी हो गया 1 2 3 4 बोल ही रहे। ऊपर से कैसे करोगे बेटा, पेरेंट ये है, पेरेंट के अनुसार चलना, ये बार बार तो अभी तक 100 बार बोल चुके हैं कि पेरेंट के अनुसार चलना है, अपना रूल कुछ नहीं लगाना है। तो ब्रैकेट में लिखोगे फोर ब्रैकेट में फोर ब्रोमो फेनाइल पेंटानोएट। अब अपना सेल्फ कंपेयर करो, फिर क्वेश्चन पूछो। बोलते जाओ हैं? हाँ राइट, ये अच्छी बात पूछे। वो सफिक्स पे भी आएगा, प्रीफिक्स पे भी आएगा, कॉमन नेम में भी आएगा, आयुपक नेम में भी आएगा। चलो ये अच्छा क्वेश्चन, जब शुरू के क्लास में कराया था ये। बेंजाइल वर्ड नहीं, बेंजाइल कॉमन नेम होगा। चलो नेक्स्ट, और जो प्रॉब्लम देखते चलो, टोटल लेफ्ट टू राइट क्या क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बोलते जाओ। इसमें बहुत कुछ समझा दिया हमने, साइक्लिक रिंग में पोजीशन, एरोमेटिक रिंग में पोजीशन। अब एरोमेटिक में अगर अर्थो पैरा करा दिए रहते तो पैरा लिख सकते थे पी ब्रोमो, तो अभी नहीं कराए तो सीधे फोर भी लिख सकते। एनसीईआरटी में अर्थो पैरा करके छोड़ दिया है। चलो और बोलो, तो आंसर लिखते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखे, फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का जो सिंगल नहीं किया वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत कोई ईस्टर नहीं पहचान में आ रहा है, फेनोक्सी को बेंजोइल के क्या लिख रहा था पता ही नहीं, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही, क्या लिखे थे बेंजोक्सी। अच्छा बेंजोक्सी, ये कोई कंपाउंड नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये भी रिसर्च है। चलो नेक्स्ट, क्या हो गया कुछ, ठीक है कोई बात है। और बोलो क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा। चलो तुम्हारी बात समझ लेते हैं, पहले सिंगल करोगे, ये ज्यादा टफ नहीं है, टफ है नेमिंग का। एमिनो है तो एमिनो बोलेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स लिखवा चुके हैं। तुम दोनों बोलो क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्यों आया। हाँ अच्छा, तुमने पोजीशन नहीं दिया था शायद, राइट। अच्छा शायद बेंजीन की बेंजाइल लिखा था, क्या लिखा था। हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन आया, बेंजाइल सुनो लास्ट, क्या कर रहे हो, ये क्या क्वेश्चन बोला है, देखो सुनाई नहीं दिया, ये भी प्रॉब्लम है। इसका नाम लिखा था ब्रोमो बेंजाइल, राइट है रॉन्ग है, राइट है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों, दे दिया है फोर पोजीशन दिया हुआ है, गलत क्यों है। हाँ बेंजाइल में कितने कार्बन होते हैं, राइट, बहुत अच्छा, बहुत को पता ही नहीं चल रहा होगा, बेंजीन को सोच रहा होगा सिक्स होता है तो सिक्स से बोलेंगे। सिक्स कार्बन को क्या कहते हैं, हाँ वही उसको पूछा है कि सर क्या करेंगे, हम कहे आयुपक कॉमन सब में फेनाइल यूज कर सकते हैं। आज जैसे सेवन होगा तो केवल क्या कहते हैं बेंजाइल यूज करोगे, वो दैट इज कॉमन है, ठीक है समझ में आ गया। तो सिक्स कार्बन को क्या हो गया, सिक्स कार्बन को फेनाइल, सेवन कार्बन को बेंजाइल, देखो रूल्स में लिखवाए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ड अक्षर में लिखे थे, इस पे अलर्ट रहोगे गलती करने के 90% चांस है, जो आके खुल के प्रॉब्लम आ ही रहा है। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था बोलोगे, जो डाउट है पूछो।
इसलिए बार बार एम्फेसिस है कि बेंजाइल नहीं लिखा जाता है। अगर कहते कि सी एच टू होता फिर उसमें पोजीशन आ जाता है। फेनाइल सफिक्स प्रीफिक्स दोनों में आएगा। हो गया, चेंज करें। अब सीबीएसई का क्वेश्चन दे दे। चलो लिखोगे सी सी एल थ्री सी एच अब जो स्कूल में किया होगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखोगे इसका नाम, ये तो सबसे होगा, इसीलिए बोले सीबीएसई क्वेश्चन का ये आता है क्वेश्चन। डीडीटी आईआईटी में एक बार पूछ दिया डीडीटी का आई पकड़े जो लिखा हुआ है वो तो बाद में बताएंगे, पहले तुम हेल्प कर दो। हो गया, ट्राई कर रहे हो, लिखो लिखो। हो गया, इसको तो ट्राई करो। ठीक है, 50-50। ट्राई करो, 70% राइट, 30% रॉन्ग। अभी हेल्प कर रहे हैं वो, मत सोच रहे ना कि राइट है। देखो कितना एक्साइटेड हो गया यार, तुम बोल भी तो 50-50 बोले हैं, अब उसको देखोगे तो और गलत करोगे। एक उसका डायरेक्शन अलग है, तुम्हारा डायरेक्शन अलग है। हो गया, डिसिप्लिन से चलोगे, डिसिप्लिन लाओगे तभी सही होगा। अनडिसिप्लिन देख लो, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी टफ हो गया।
ट्राई वही तो कर रहे, 50-50 हेल्प कर रहे थे यार, एक बार और ट्राई। इसका आप कॉमन नेम बोल रहे थे, बोल दे रहे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का नाम लिख, नाम बोल रहे हैं ट्रेवल, सॉरी कॉमन नेम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन थोड़ा सा मिस्टेक, 80% राइट हो गया। चलो अब हेल्प करे, तुम्हारे गलत बोल दिए उसका राइट। थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, लेफ्ट से वन होगा राइट से वन होगा बोर्ड पे जो है, बोलो जी। क्यों लेफ्ट से राइट से क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट से राइट से, हाँ फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए पूछ रहे थे, तुम्हारा गलती देखकर ही बोलना पड़ा है कि मिस्टेक क्या है। देखो बेटा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाओगे समझ में आ जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में हर अल्टरनेट साल दे देता है ये क्वेश्चन। अब पहला चॉइस रहेगा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सेकेंड चॉइस रहेगा डीडीटी, और थर्ड फोर्थ के लिए थोड़ा और एडवांस हो जाता है। तो वन और टू, कुछ बच्चे यहां से लिखे थे वन टू, इसलिए कंफ्यूजन था, जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से शुरू करेंगे। फिर इसके अंदर वन टू थ्री फोर राइट लिखते जाओगे, तब बाद में पूछना, बीच में मत बोल देना, बीच में बोलोगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। टू टू बीस, अब तीन चार गलत थोड़ा बहुत दे देता है बोर्ड में भी बुलाते। टू टू बीस ब्रैकेट में फोर क्लोरोफेनाइल, या बुक में देखोगे एनसीईआरटी में तो पी क्लोरो लिखा रहेगा, उसको पैरा कहते हैं, और तो पैरा भी नहीं कराए इसलिए हेल्प नहीं कर रहे, आ जानते होगे तो उसको पी क्लोरोफेनाइल भी लिख सकते हो। ब्रैकेट क्लोज 111 ट्राइक्लोरोइथेन, देखो सोचो अब जिसको हमसे क्वेश्चन करना है करते चलो। जैसे आपने फोर बताया तो नहीं मिस्टेक, अभी ये क्वेश्चन इन लोगों के लिए दिया है कि बेंजाइल और फेनाइल में अंतर समझ में आ जाए, इसको नहीं करेगा। बोलो क्वेश्चन, कंफ्यूजन बोलो यार, अपना अपना बोलो, बहुत कदर गलती अपना दिख ही रहा होगा। अच्छा सीधे क्लोरोफेनाइल लिख दिया, तुम्हारा तो पोजीशन का प्रॉब्लम था, वो मेजर प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? अच्छा पीस नहीं देख, तो उतना ही प्रॉब्लम था राइट, अंदर भी था। अच्छा पोजीशन का भी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा अंदर डाई, धीरे धीरे एनालाइज करो, मेरा ये नहीं है, अब बुक से बनाओगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देख रहा है तुम सोचोगे राइट कर दे, हम राइट होने नहीं देंगे, हम तो पहले ऊपर लेवल चले गए फिर लौट के चले आए, थोड़ा और नीचे आ जाओ। डाई बोलो बोलो डाई क्लोरो
ये भी बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है जो ट्रिपल सिक्स है। एक दो बार मेडिकल में ट्रिपल सिक्स का कंपाउंड बताओ। राइट डाउन आईपैक नेम। निक नेम है गैमेक्सिन या बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कॉमन नेम ट्रिपल सिक्स। आईपैक नेम लिखना है बेटा, लिखोगे रजिस्टर पर लिख लोगे रॉन्ग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो धीरे धीरे रीजनिंग छोटे कंपाउंड में समझा रहे हैं कि कैसे सोचोगे। बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमन नेम। आईपैक नेम तुमको लिखना है। निक नेम गैमेक्सिन। मैथमेटिकल नेम ट्रिपल सिक्स। अभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रिपल सिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेता है। रॉन्ग। रॉन्ग मतलब इतना सिंपल लिखा हुआ है बोर्ड पे वो भी नहीं दिख रहा है। मतलब बोर्ड पे नहीं लिखा रहा था तो टफ था। राइट मतलब ये इजी हो गया। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, पूछेगा बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमन नेम। बेटा उससे रिएक्शन एडिशन होता है तो बनता है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये सिंपल नेम पूछ दिया, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। बोलो क्या लिखे। बोलो आप सुनते तो जाओ बोलो। अच्छा नहीं लिखा, आप बोलो तुम। राइट बहुत सही। पहले शायद तुमको गलत क्यों बोल दिया था। अच्छा अच्छा साइक्लो नहीं केवल एक्जेल लिख दिया था कि बेंजीन लिखा था, किसी को फेनाइल लिखा था किसके। आज ही समझ में आया शायद वो लास्ट तुम फेनाइल लिखे थे इसीलिए। इजी क्वेश्चन देखो जी एच बी सिक्स है। अब इसको फॉर्मूला में कहोगे तो सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स, इसीलिए ट्रिपल सिक्स। तो साइक्लो सॉरी क्लोरो ना यहाँ 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है आ गई बात समझ में। खाली का मतलब यहां अल्काइल है।
धीरे धीरे नेमिंग खुद करना होगा, अब ज्यादा हम नहीं कराएंगे। पोजीशन हो गया, मल्टीपुल भी करा दिया, तो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना कहेंगे कंफ्यूज सब होते रहेंगे, लेकिन तुम सोचोगे बनने दे, हम बनने नहीं देंगे, वो सारी रीजनिंग आ जाएगी। तो या तो दो चार क्लास के बाद करेंगे, इसीलिए आज ज्यादा करा दे रहे कि जिसको अपना प्रैक्टिस अब कर लो इस पे। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो चुका है तुम्हारा, यही सब प्रॉब्लम आगे जाके होता है कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, जितना क्लास करो कम ही पड़ेगा, सेल्फ अगर असेसमेंट नहीं करने आता है, खुद प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो ट्राई कर रहे हो। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनर, इतने में हुआ तो राइट ही कहा जाएगा, लेकिन वाह ये तो पूरा रिसर्च किया। चलो ट्राई तो कर रहे हो कम से कम, कितना परसेंट रॉन्ग तो ना कहे, 100% रॉन्ग है, प्रैक्टिस जो किए वो 30% सही है। थोड़ा मिस्टेक है, उल्टा क्यों नहीं चल रहे हो, बाकी सही तो उल्टा क्यों नहीं चलेंगे, ये आता है नहीं, बाकी सही की हो, ये सही किया। राइट, 100% राइट। देखो ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
है तो ऐसा आ जाता है प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में है। अब सेम प्रॉब्लम दिया रहेगा, ये चॉइस है, उसके बाद तुम्हारा चॉइस जो आ गया तब तुम्हारा सब चॉइस राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कम आता है। चलो और बोलो, देखो क्वेश्चन पूछो आप, अब तो बोर्ड पे लिखवा दिया। अच्छा इसमें भी, इसका भी तो देखना होगा क्या प्रॉब्लम किया है। ये ब्रैकेट ठीक, ब्रैकेट लगाना चाहिए था यार, टू पे है नहीं, ठीक ही हो, ब्रैकेट में ही होगा। बाकी सही, वो जो बोल रही है सही है कि ब्रोमो पहले आएगा, वो अलग प्रॉब्लम है। थ्री मिथाइल फाइव ब्रोमो, फोर क्लोरो साइक्लोहेक्सेन वन ऑल राइट। हाइड्रोक्सी वाले देखो, हेक्सानॉल वाले देखो, विदाउट कार्बन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, बिना कार्बन का सारे फंक्शनल ग्रुप डाल दिया था ड्यू टू एबीसीडी समझने के लिए। हाँ राइट, इसीलिए सब कुछ डाल दिया था, अभी इथर छोड़ दिया था, इथर में भी चाहते तो दो तीन और उसमें डाल सकते थे। अब समझ में आया कि वैलेंसी सही हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। अभी तक होगा कि नेमिंग कैसे अरेंज करते हैं, डिसिप्लिन हुआ है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तुम भी बना सकते हो, कुछ भी लिख दो उसके बाद। हाँ वैलेंसी देखना है। अब इस बार क्या किया हमने कि विदाउट कार्बन का डालकर देखिए, एमीन भी डाल दिया, ब्रोमाइड भी, कोलाइड भी, यहां पर चाहते थे ईथर भी डाल देते, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा किस, केवल हेक्सानॉल लिखा था राइट, ये भी मिस्टेक है, विदाउट कार्बन में पोजीशन देना मस्ट है, चाहे वो फर्स्ट पे क्यों नहीं, बाकी सही था राइट। नहीं पता किसका क्या क्या प्रॉब्लम है, और बोलो जी क्या मिस्टेक, तुम्हारा क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम पता चल गया तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो हर क्वेश्चन में नया दिख रहा है, पूछ रहे डाउट पूछे तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन दो तो नहीं बनेगा, तो होगा कैसे। हाँ अब कोई भी बुक उठाओ, कहीं से क्वेश्चन करो, डिसिप्लिन जाने गए, अगर लग रहा है कि बहुत लेवल हाई नहीं उठाना है, 11th क्लास का किताब उठाओ, मल्टीपल कहीं से करो, 30-40 भी कर लोगे तो दिमाग खुल जाएगा, बाकी तो डिसिप्लिन है। और नए बच्चे को दे दो ऐसा तो घबरा जाएगा, क्या दे दिया, नहीं कुछ समझ में आता सीधे एडवांस का क्वेश्चन दे दिया, है कुछ नहीं। इसी क्लास में तुम लोग सीखे हो, डिसिप्लिन में मैं जो कर रहा है वो राइट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके गलत हो रहा है, जो होमवर्क नहीं किया उसको और मेजर प्रॉब्लम, जो न्यू स्टूडेंट है वो हर क्वेश्चन नया लग रहा होगा राइट, जितने क्वेश्चन लिखेंगे इनके लिए तो नया नया है, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसिप्लिन तुम्हारा हो चुका है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना परफेक्ट हो जाओगे, नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी। नेमिंग को कर रहे हैं, जिसको नॉमेनक्लेचर कहते हो, जिसको पोजीशन आइसोमेरिज्म करते हो, हाँ इसी में कुछ निक नेम है, मान लो फ्यूमरिक एसिड, मैलेइक एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड है तो अलग चीज है, लेकिन जनरल जो पोजीशन पे तुम करोगे इतना ही है। एक दो तरह का और होता है, चलो देख दो, जब करके आओगे तब थोड़ा और डिफेक्ट में डालेंगे। मेजर तुम लोग को प्रॉब्लम है ईस्टर फैमिली, ईस्टर को कोई एल्डिहाइड बना दे रहा है, कोई कीटोन बना दे रहा है, कोई क्या बना दे रहा है ईथर, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हम आज के क्लास में ये समझाने की कोशिश किए हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, पेरेंट अगर ढूंढ लिए तो उसके बाद नेमिंग ईजी है, पेरेंट नहीं ढूंढे जितना भी कोशिश कर लो नहीं।
पेरेंट का डिसिप्लिन भी समझा दिया, वो तो कितना अच्छा सीक्वेंस ऑर्डर याद की हुई है, उसको सिंपल भाषा में समझा दिया कि मॉलिकुलर मास से कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब जितना चाहो उतना नेमिंग कर लो किसी भी बुक से, हमसे कहोगे तो आधे घंटे 10 मिनट क्वेश्चन पूछ देंगे, क्लियर होगे तो हमसे कहोगे क्वेश्चन पूछो, और जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो देखेंगे कि तुम्हारा लेवल कहाँ तक पहुंचा, और नहीं तो रिएक्शन को अब एडवांस कर देंगे। हमको नेमिंग के चाहिए कि 2 और 3 कार्बन का नेमिंग पता हो, एरोमेटिक नेमिंग पता हो, तो उसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, वो तो एडवांस में आओगे तब प्रॉब्लम होगी। दूसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसी भी बुक में दिया रहता उसे भी करके देखो, मतलब अब तुमको किताब छोड़ दिया पढ़ने के लिए, नेमिंग को लेकर अभी रिएक्शन नहीं, रिएक्शन तो भूल के भी मत छूना, 1-2 लेवल और ऊपर उठा देंगे, मैकेनिज्म जो शुरू कर देंगे तब कहेंगे किताब छू सकते हो। तो बोलो और कैसे होगा इम्प्रूवमेंट, तुम भी अपना प्रॉब्लम बोलो। हाँ करना पड़ेगा बेटा, इस बार 4-5 दिन टाइम मिल रहा है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है, 60% बहुत सही कर रहे हो, 40% तुमको पेन नहीं चलाते हो इसीलिए प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो नहीं, देखो अब इसका माइंड बहुत शार्प है, अब इस बैच का पूरी कैरेक्टर आपको पता चल गया, मेहनत नहीं चाहता है, बस होता है क्लास में बैठे बैठे सब कुछ कर दूं तो वहां पे पकड़े जाते हैं, ये दोनों चीज सही डिसिप्लिन में जा रही है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा है तब मिस्टेक हो रहा है, तभी बैच का कहोगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमको इसका लगा, उसका माइंड शार्प है, उसको यूज करता है, मिसयूज कहां कर लेता है, होमवर्क नहीं करता है, और तुम लोग तो मिसलेनियस हो, कभी हाँ कभी ना, पता ही नहीं हमको चल रहा है अभी यार इनको क्या करे, उसका कैरेक्टर पता चल गया, उसका भी माइंड शार्प है नहीं चाहता है करे नहीं, क्लासे में सीख ले, क्लासे में सब कुछ समझ ले, तो सबसे रिक्वेस्ट है करो जरूर, नहीं कुछ तो कम से कम अब रिएक्शन तो जरूर करना, नेमिंग छोड़ देंगे, नेमिंग कहोगे तो फिर कराएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, नेमिंग से हमको नहीं मतलब है, अनलिमिटेड है नेमिंग, इसके लिए बुक है तुम्हारे पास, कोई भी बुक उठाओ नेमिंग कर लोगे, डिसिप्लिन वही 2 बता ही दिया कि 2 से ज्यादा है नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बोलोगे, नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन विदाउट हेल्प करके आना, तब तीसरा सेट करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो एक लेवल बढ़ा देंगे, तब मैकेनिज्म भी शुरू कर देंगे, रिएक्शन क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है, तुम्हारे हाथ पे दे रहे कि अगर करके आओगे तो नेमिंग कराएंगे आधा घंटा, सर प्रैक्टिस करके आ गए आप पूछो, 2-4 क्लास छोड़ देंगे, नहीं जो फंक्शनल रूप का चार्ट है उतना सुनो, उसको भी समझा दो कैसे प्रैक्टिस करना है, अभी बोले हैं LDI का चार्ट लिखे से तुमको कराया था वैसे ही बोलना कि ऐसे करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये तो समझ में आएगा, तुम भी 0 पे थे, 0 से 70-80 पे आ गए, वैसे वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा लास्ट समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तब देखो, यार तुम अपना ना एक्सक्यूज बोल रहे हो, ना कंसेप्ट बोल रहे हो, ना समझा रहे हो, अरे तुम्हारा एक्सक्यूज है कि सैटरडे स्कूल होता है, मेरा एक्सक्यूज है कि क्लास होता है, अब जो भी करो यार, अब तो लो या मत लो, अभी किसी की हेल्प की जरूरत है। थैंक यू।